बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने ऑर्गेनिज्म के ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा आर एच विटेकर साहब ने दिया था, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो कि 1969 में दिया गया था, है ना। तो इसी के बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम प्रपोज बाई आर एच विटेकर वेदर सजेस्टेड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पांच किंगडम आते थे। किंगडम हमारा मोनेरा आता था, प्रोटिस्टा आता था, फंजाई आता था, एनिमली आता था, प्लांटी आता था। जो हमारा किंगडम मोनेरा था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर को रखा गया था, और जो किंगडम प्रोटिस्टा था इसमें यूकैरियोट यूनिसेलुलर को रखा गया था, और फंजाई जो किंगडम था हमारा वो एक सेपरेट किंगडम था हेटरोट्रॉप्स का, जिसमें सेप्रोफाइट आते थे, हेटरोट्रॉप सेप्रोफाइट आते थे, और किंगडम एनिमलिया में हमारे सारे एनिमल को रखा गया था, और किंगडम प्लांटी में हमारे सारे प्लांट्स को रखा गया था। तो इन दिस चैप्टर वी डील इन डिटेल्स विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी। तो इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पॉपुलर नाम इसका किंगडम प्लांटी का है, जिसको हम जानते हैं प्लांट किंगडम से जानते हैं, किंगडम प्लांटी का नाम प्लांट किंगडम के पॉपुलर नाम से जानते हैं इसको। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर डेट ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम चेंज ओवर टाइम। ये हमको एक स्ट्रेस फील होता है समझने में प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को समय के साथ साथ, कि हमारा स्ट्रेस क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है यहाँ पे दिया हुआ है। फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी थ्रू अर्लियर प्लेस इन सेम किंगडम। कि हमारा जो फंजाई के मेंबर्स होते हैं और हमारे मोनेरा होते हैं और हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, उनमें सभी में सेल वॉल पाई जाती है, तो हम इसको अभी प्लांट किंगडम से क्यों बाहर अलग रखते हैं, क्यों इसको हम प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये हमारे सारे पहले जो थे ये किंगडम प्लांटी में ही पढ़े जाते थे, बट अब इसको हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है। सो साइनोबैक्टीरिया डेट रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा। जो साइनोबैक्टीरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं बीजीए बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, ये हमारा जो कि एल्गा नहीं है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, ट्यूडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में, ये हम सब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम बीजीए बोलते हैं, इसमें एक हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये हमारा हायर प्लांट के तरीके फोटोसिंथेसिस करता है। और हमारा ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड किया था इसने, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन ये अपना हायर प्लांट के तरीके बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अंडरस्टैंड लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न डेट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो हम इसमें कुछ एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और उसके कंसर्न के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो हमारा अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारे ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो हमारे सुपरफिशियल यानी जो हमारी बाहर से जो दिख जाएँ उन उसी के बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर देते थे, है ना। वो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटाट, मतलब उसका हैबिटाट क्या है, वो कहाँ पे प्लांट पाया जा रहा है, उसका कलर क्या है, है ना, रंग क्या है, नंबर एंड सेफ ऑफ लीफ, उसमें कितने नंबर लीफ के कितने नंबर हैं, कितनी लीफ पाई जा रही हैं और लीफ का सेफ क्या है, इसके बेसिस पे, है ना। और भी कुछ था, दे वर बेस्ड मेनली वेजिटेटिव। जो हमारा अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड था। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो था हमारा इन्वायरमेंट के साथ साथ बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर था ये हमारा इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता जाता है। एंडोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो कि हमारा लीनियर सामने दिया था, इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सच आर्टिफिशियल दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो कि हमारा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर रहा था। इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी डिमरीज थी, तभी हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त थे
दोस्त क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, और बहुत सारी ऐसी डिमिनिट थी। तो इसकी वजह से हमारा थ्री किंगडम आया, वो भी प्रॉपर तरीके से कैटेगरी को फॉलो नहीं कर पाया और वो भी फेल हो गया। फिर फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि फिलहाल के तौर पर भी मोस्ट पॉपुलर है, और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कॉलेज वो साहब ने दिया है। इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आरआरएनए के सिक्वेंस पे बेस्ड है, ठीक है। सो सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, जो सच सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल दे है सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर्स, जो कि हमारे कुछ कैरेक्टर पे बेस होता था, और क्लोजली रिलेटेड सेपरेट को वो अंडर कैरेक्टर को सेपरेट कर देता था, ठीक है। आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल, जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था हमारा, जो हमारे लिनियर सर ने दिया था, गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था हमारे लिनियर साहब के द्वारा दिया गया, वो हमारे इक्वल वेटेज दे रहा था, इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं एज अगेंस्ट दिस। तो इसके बाद हमारा क्या आया, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर ये हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। वेजिटेटिव कैरेक्टर से जैसे हमारे लीप का सेप क्या है ना, हेट्रोफिली वगैरह हम पढ़ेंगे, तो सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं, हेट्रोफिली वगैरह, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस हमारे, इसके बाद हमारा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, नेचुरल से पता चल रहा है नेचुरल सिस्टम यानी नेचुरल एफिनिटी से बेसिस होगा, एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसाइडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, जो कि हमारा एक्सटर्नल फीचर को कंसाइडर नहीं कर रहा था, बट उसमें इंटरनल फीचर्स को भी ऑर्गेनिज्म के कंसाइडर कर रहा था। इंटरनल फीचर क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब लीव का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, एनाटॉमी क्या हो गया है ना, एम्ब्रियोलॉजी क्या हो गया, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है वगैरह वगैरह, एंड फाइटोकेमिस्ट्री प्लांट की केमिस्ट्री के बारे में है ना, फाइटोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री। सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन था यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये हमारे बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था, ठीक है। इनका पूरा नाम था जॉर्ज बेंथम, एंड हुकर साहब का पूरा नाम था जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एट प्रेजेंट टाइम में जो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, तो हमारा बेस्ड है नेचुरल एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, जो हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस है। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जो कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट टाइम के बेसिस पे ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दिस एज्यूम डेट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, ये मानता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं वो कॉमन एंसेस्टर होते हैं। कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है जिसकी ओरिजिन सेम हो, मतलब सेम जगह से वो ओरिजिनेट हुए हों और उनमें कोई सिमिलरिटी पाई जाती हो। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अपने डिफिकल्टी जो हमारी क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी हो रही थी उनको रिजॉल्व करने के लिए। बिकम मोर इम्पॉर्टेंट वेन देयर इज नो सपोर्टिंग फोसाइल एविडेंस, ये हमारा कब इम्पॉर्टेंट होता था, जब हमारे भी फोसाइल एविडेंस नहीं थे, हमारे कोई ऐसे जीवाश्म नहीं थे जो कि हमारे क्लासिफिकेशन में सपोर्ट करें। तो हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, न्यूमेरिकल से पता चला न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे नंबर से होगा और कोड से होगा, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, डाटा को सेव करेंगे है ना फर्दर स्टडी के लिए। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इन विच नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है जो हमारा इजिली कैरिड आउट होता है भाई कंप्यूटर को यूज करके, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को बेस्ड होता है। नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर एंड डाटा आर देन प्रोसीड, मतलब हम सारे नंबर्स को और उनके
कोड्स को कलेक्ट करते हैं, उसका डाटा कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। हमें जब फर्दर स्टडी की ज़रूरत होती है तो हम उसके कोड को नंबर को डाल के उसके सारी कैरेक्टर्स को फिर से स्टडी कर लेते हैं। दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंट इस माध्यम से मतलब न्यूमेरिकल टेक्नोमी से जो हमारा था, ईच कैरेक्टर को हमारा इक्वल वेटेज मिल रहा था एंड सेम टाइम में हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसाइडर, और एक समय में था हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर को हम कंसाइडर कर पा रहे थे। फिर साइटो टेक्सोनॉमी आया हमारा, साइटो टेक्सोनॉमी से पता चल रहा है साइटो मतलब सेल, यानी साइटो टेक्सोनॉमी का मतलब है, यहाँ पे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे, देखते हैं हम। साइटो टेक्सोनॉमी डेट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, डेट आर बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, बिहेवियर क्या होता है एंड और उसके बाद हम देखते हैं कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है। कीमो से पता चल रहा है हमारा केमिकल के बारे में होगा, कीमो मतलब केमिकल। डेट यूज्ड केमिकल कंस्टिट्यूंट ऑफ प्लांट, जो कि हमारा केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाई टेक्सोनॉमी, जो केमिकल टेक्सोनॉमी होता है वो हमारे केमिकल के बारे में, हम प्लांट के कंस्टिट्यूंट के कौन कौन से केमिकल से मिलकर हमारा बना हुआ है, ये हम अपने क्लासिफिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए कीमोटेक्सोनॉमी का यूज करते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे टेक्सोनॉमिस्ट यूज करते हैं क्लासिफिकेशन को करने में। सो फिलहाल इस वीडियो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग होता है, यानी क्लोरोफिल बियर की होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि सिंपल होता है, यानी सिंपल हो जाएगा और थैलॉइड हो जाएगा, थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म यानी थैलस बॉडी होगी, और ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें हमारा क्लोरोफिल होता है हायर प्लांट की तरीके, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा एंड लार्जली एक्वाटिक, और बहुत मात्रा में ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं ना। दे अकर्स इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ये हमारे और भी अदर हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जहाँ जैसे मॉइस्ट स्टोन मतलब नमी वाला पत्थर, सॉयल पे यानी ज़मीन पे, वुड पे यानी लकड़ी पे, सम ऑफ देम आल्सो अकर एसोसिएशन विद सम ऑफ देम आल्सो अकर एसोसिएशन विद फंजाई, जिसमें कि कुछ होते हैं कि एसोसिएशन विद फंजाई यानी एल्गी और फंजाई मिलके हमारे लाइकेन बनाते हैं, एंड एनिमल्स जो हमारा ये स्लॉग बियर पे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारा एल्गी और फंजाई मिलके हमारा लाइकेन बनाते हैं एसोसिएशन, और एल्गी और हायर प्लांट के रूट ऑफ हायर प्लांट के एसोसिएशन से हमारा माइक्रोराजिया बनता है, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जो हमारी एल्गी का साइज होता है और उसकी जो फॉर्म होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा ये होता है साइज और शेप के बेसिस पे अपना मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। तो एल्गी का साइज हमारा हो सकता है कॉलोनियल, हो सकता है कॉलोनियल फॉर्म जो होता है एल्गी की होती है वॉलबॉक्स होती है, और जो वॉलबॉक्स की कॉलोनी को बोलते हैं हम इसको सिनोबियम बोलते हैं, जो हमारी वॉलबॉक्स की कॉलोनी होती है उसको हम सिनोबियम बोलते हैं, और जो हमारी एल्गी की कॉलोनियल फॉर्म है वो हमारी वॉलबॉक्स है, ठीक है, वॉलबॉक्स। एंड फिलामेंटस जो होता है, फिलामेंटस फॉर्म क्या होते हैं हमारा, लाइक यूलोथ्रिक्स हो सकता है, स्पायरोगायरा हो सकता है, ये हमारी फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है, यानी फिलामेंटस यानी धागे की तरीके से फॉर्म होगी इसकी। एंड फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म, जो कि कुछ मेराइन फॉर्म होती हैं, मेराइन फॉर्म क्या है, जैसे केल्प है, जो हमारा केल्प होता है ये मेराइन फॉर्म होता है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, जो केल्प की हाइट होती है एक मैसिव प्लांट बॉडी यानी 100 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, ठीक है, ये हमारा ये एक एल्गी है, ठीक है, मेराइन, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस, जो एल्गी हमारा रिप्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है, जो हमारा एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वो हमारा वेजिटेटिव से करता है, ए सेक्सुअल से करता है एंड सेक्सुअल मेथड से करता है, यानी वेजिटेटिव से हमारा करता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है ना, ये आता है, ए सेक्सुअल से स्पोर बनते हैं, जो स्पोर्स एप्लेनो स्पोर, कोनोडिया स्पोर, ये सब हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, ठीक है। एंड सेक्सुअल मेथड में सेक्सुअल मेथड आते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, जो हमारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की कोई पार्ट्स बॉडी का पार्ट्स काट के डाल दो तो वो फिर से न्यू प्लांट बॉडी बना लेता था, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू ए थैलस, यानी एक जो प्रत्येक फ्रेगमेंट था वो एक थैलस यानी प्लांट बॉडी, ठीक है, यानी एल्गी की बॉडी बना लेता था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई
द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्ट्स, जो एसेक्सुअली प्रोडक्शन था हमारा, वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स बना रहा था, ठीक है, उससे हो रहा था, डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स से हो रहा था, जिसमें कि मोस्ट कॉमन स्पोर हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वो हमारा जू स्पोर होता है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये हमारा जू स्पोर होता है ये फ्लैजिलेटेड होता है, एंड ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज न्यू प्लांट बॉडी, और ये हमारा जर्मिनेट करता है और हमारा ये न्यू प्लांट बॉडी बना देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब गैमेट का फ्यूजन होता है ना, टू गैमेट होंगी वो फ्यूज करेंगे, है ना। गैमेट, टू गैमेट क्या हो सकते हैं, टू गैमेट यानी मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, है ना। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिस, है ना, ये यूलोथ्रिस में जो हमारे गैमेट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज होते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी जिसमें कि फ्लैजिला नहीं होगा, जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला हमारा हेल्प करता है मोटाइल में, यानी वो इसमें मोटिलिटी होगी, इसमें फ्लैजिला होगा, अगर फ्लैजिला नहीं तो उसको हम नॉन फ्लैजिलेटेड बोलेंगे और नॉन मोटाइल बोलेंगे, बट सिमिलर इन साइज यानी नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल बट सिमिलर साइज, सिमिलर साइज यानी आइसोकेमस स्पायरोगाला हो गया हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल और आइसोगैमस का हमारा स्पायरोगायरा हो जाएगा, और फ्लैजिलेटेड और आइसोगैमस जो होगा सिमिलर साइज होगा वो यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, तो ऐसे टाइप को रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलते हैं, आइसोगैमस मतलब जो गैमेट हों वो सेम हों, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अगर हमारे टू गैमेट होंगे डिसिमिलर इन साइज होगा, उनका साइज सेम नहीं होगा, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, जो हमारी यूडोरिना की स्पीसीज होती हैं, तो उसको हम, उसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो एनाइसोगैमस टाइप का होता है, जिसमें कि फ्यूजन होता है, ठीक है, एनाइसोगैमस टाइप का होता है। फिर दिया है द फ्यूजन ऑफ, द फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक लार्ज यानी बड़े, एंड नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होगा यानी जो मोटाइल नहीं होगा तो एक जगह रुका रहेगा, यानी स्टैटिक होगा, स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, ठीक है, फीमेल गैमेट, एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट टर्मेल ओगैमस, जो हमारा एक लार्ज नॉन मोटाइल होगा यानी लार्ज नॉन मोटाइल होगा वो हमारा फीमेल गैमेट, और स्मॉलर यानी छोटा, जो छोटा होगा वो ज़्यादा उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब वो अपने इधर से उधर ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, तो स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट जो हमारा फ्यूज करते हैं, तो हम इस टाइप के रिप्रोडक्शन को ओगैमस बोलते हैं, ओगैमस बोलते हैं, ठीक है, इस जो कि हमारे वॉलबॉक्स में पाया जाता है और ये फ्यूकस में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो होता है ओगैमस क्या होता है, जिसमें कि हमारा एक लार्ज नॉन मोटाइल होता है वो, जो कि हमारा स्टैटिक होता है वो फीमेल होती है, फीमेल गैमेट होता है, और जो हमारा स्मॉलर होता है मोटाइल होता है वो मेल गैमेट होता है, जब दोनों फ्यूज करते हैं तो उसको हम ओगैमस टाइप का बोलते हैं, ओगैमस होता है जो हमारा वॉलबॉक्स हो गया और हमारा फ्यूकस हो गया, ठीक है, इसमें होता है। ये हमारे कुछ दिए हुए हैं, जैसे वॉलबॉक्स का स्ट्रक्चर हमारा, ये हमको वॉलबॉक्स का दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे ग्रीन एल्गी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ ए, एल्गी जो हमारा है बहुत सारी तरीके से हमारे ह्यूमन के लिए, मैन के लिए यूजफुल है। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, मतलब आधी से ज़्यादा मात्रा में जो हमारी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी एल्गी फिक्स करती है, यानी हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमको ऑक्सीजन देती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने आपको बताया था जो एल्गी में होता है ना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है हमारा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है सनलाइट की प्रेजेंस में और हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। बींग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, मतलब ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से, ये फोटोसिंथेटिक है तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस करता है और लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल, ये जो कि हमारा पैरामाउंट होता है मुख्य एनर्जी का प्रोड्यूसर है
जो कि हमारे एक फूड साइकिल ऑफ जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी फूड साइकिल की बेसिस है, मतलब बेस है उसकी फूड साइकिल का हेल्प करता है। ठीक है, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, जो हमारी पोरफायरा की स्पीसीज होती हैं, पोरफायरा लेमिनेरिया, जो हमारा पोरफायरा ये रेड एल्गी है ना, लेमिनेरिया एंसारगाशम, आर एमोंग 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज एच फूड। जो हमारी मेनी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज पोरफायरा की होगी, लेमिनेरिया की होगी, सारगासम की होगी, एंड 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी जो हमारी फूड के रूप में यूज होती हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, जो हमारी कुछ ब्राउन एल्गी होती हैं और रेड एल्गी होती हैं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। जो हमारी मेराइन एल्गी होती हैं यानी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी होती हैं, वो हमारे हाइड्रोक्लोराइड्स बनाती हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब हुआ वाटर। ठीक है, हाइड्रा मतलब वाटर, और कोलाइड मतलब किसी चीज़ को कोलाइड सबस्ट्रेट को पकड़ लेना, मतलब कोलाइडल बना लेना, है ना, वाटर होल्डिंग सबस्ट्रेट यानी किसी चीज़ को पकड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे कोलाइड का मतलब पकड़ना वगैरह और हाइड्रो से मतलब वाटर, तो इंद्रा हाइड्रोक्लोराइड वाटर को पकड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो होता है एल्जिन होता है, एल्जिन जो हमारा ये हमारा है ब्राउन एल्गी है, इसमें हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है एल्जिन ब्राउन एल्गी है क्या है, ये किससे बनता है, तो एंड जो कैराजिन होता है ये हमारा रेड एल्गी से बनता है। ठीक है, तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, जैसे सिंपल है वो सभी जानते हैं, ए होता है, ए के बाद हमारा क्या आता है, बी आता है ए बी सी डी में। ठीक है, तो हम इससे ऐसे देख लेंगे, ए से बी यानी ए के बाद बी, तो यानी एल्जिन जो होगा वो ब्राउन एल्गी से बनेगा, और सी आर, सी आर अपना अलग से याद कर लेंगे, एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको याद आ जाएगा एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो सी आर यानी कैराजेनिन यानी रेड एल्गी से बनता है। ठीक है, सिंपल था। विच आर यूज कॉमर्सली, जो कि हमें कॉमर्सली यूज होता है, अकार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लेसेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। जो हमारा अगार होता है, जो अगार अगार होता है, ये हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है, ऑप्टेन होता है हमारा जिलेडियम और ग्लेसेरिया से, जो जिलेडियम एंड ग्लेसेरिया होता है, ये हमारा रेड एल्गी है, जो कि हमारा किसमें यूज होता है, इसका जो यूज होता है हमारे माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, माइक्रोब को हम ग्रो कराते हैं, हम आइसक्रीम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, तो इसमें माइक्रोब को ग्रो कराते हैं, है ना। क्लोरेला एंड क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा, जो हमारा क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर एल्गा है, जो कि प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, एक हमारा स्पायरुलिना भी होता है। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन रिच होता है, जो क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच प्रोटीन इज यूज एट सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर। ये हमारा प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए हम जो हमारे स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, तो वो अपने साथ खाना तो ले नहीं जा सकते हैं, खाना ले जाएंगे ख़राब हो जाएगा उनका। ठीक है, तो वहाँ पे एक पाउडर के फॉर्म में कोई प्रोटीन ले जाते हैं, पाउडर के फॉर्म में, पाउडर का फॉर्म में ख़राब नहीं होता है, और वो अपना उनके बेसिक नीड, जो फूड की बेसिक नीड होगी वो पूरी हो जाती है, प्रोटीन की नीड पूरी हो जाती है, उनके मसल जो होते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मतलब हवा में उड़ते हैं, हमारे मसल्स को स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस वजह से प्रोटीन होता है, वो हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस, जो हम एल्गी को पढ़ते हैं तीन मेन क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी से पता चल रहा है, जो क्लोरोफिल होता है हमारा वो ग्रीन होता है, ठीक है, एलोइस ग्रीन होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कलर होता है एलोइस ग्रीन होता है, और जो हमारा फियोफाइसी होता है, फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन। ठीक है, फियोफाइसी हो गया ब्राउन, और जो रोडोफाइसी हो गया वो रेड हो गया, आर से पता चल रहा है हमें, आर से रेड, आर से रोडो। ठीक है, याद रखना, क्लोरोफाइसी ग्रीन और ये फियोफाइसी ब्राउन, तो यानी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी हमारी रेड एल्गी। तो हम देख लेते हैं आगे, जो हमारा क्लोरोफाइसी हो गया, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा, जो हमारे मेंबर क्लोरोफाइसी के होते हैं इनको हम ग्रीन एल्गा कॉमनली, इनको हम ग्रीन एल्गा बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, यानी एक सेल से मिलकर बनी हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है यानी कॉलोनी बना के रह सकती है, और फिलामेंटस हो सकती है, मतलब वो धागे के नुमा होते हैं, धागे के तरीके, फिलामेंट के तरीके। ठीक है, फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ये हमें ज़्यादातर ग्रास ग्रीन कलर की दिखती हैं,
ग्राफ ग्रीन कलर की दिखती हैं। वो क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है जो हमारा क्लोरोफिल ए एड बी होगा। मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी क्लोरोफाइसी जितनी भी एल्गी हैं, यानी क्लोरोफाइसी हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी हैं, इसमें जो एक मेन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, तो सब में कॉमन होगा। ये हमको नोट करने वाली चीज़ है, समझने वाली है कि क्लोरोफिल ए है वो सब में कॉमन होगा, और जो हमारा उसके अलावा जो होगा एडिशनल वो अलग अलग होगा, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। जो हमारा पिगमेंट होता है ये हमारे डिफिनाइट क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है। क्लोरोप्लास्ट हमारे मेजोफिल सेल में होते हैं, जो मेजोफिल सेल होती है हमारी लीफ की, मेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क से भी हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, और रेटिकुलेट हो सकता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लेट लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक होता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट लाइक, कप लाइक, और स्पायरल लाइक, और यहाँ पे यहाँ तक कि रिबन लाइक हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। जो हमारी मोर ऑफ द मेंबर होते हैं जिसमें वन और मोर स्टोरेज बॉडी होती हैं, जो हमारी एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी हो सकती हैं, जिसको हम पैरेनॉइड बोलते हैं। एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी हैं जिसको हम पैरेनॉइड बोलते हैं। जो पैरेनॉइड होती हैं हमारी, वो हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन, जो पैरेनॉइड होता है, जो हमारा पैरेनॉइड हुआ, पैरेनॉइड किधर गया, पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यानी जो हमारा पैरेनॉइड होगा वो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब जो हमारा प्रोटीन होगा वो बीच में होगा और स्टार्च की हमारी चारों तरफ कवरिंग होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, सम एल्गी में भी स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। जो हमारी कुछ एल्गी होती हैं जो हमारी फूड को स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। ठीक है, ग्रीन एल्गी यूजली हैव रिजिड सेल वॉल। जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है उसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, मेड ऑफ जो हमारी बनी होती है, जो ग्रीन एल्गी में एक रिजिड सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? इनर लेयर जो बनी होती है हमारी सेलुलोज की बनी होती है, एंड आउटर लेयर जो होती है हमारी पेक्टोस की बनी होती है। जो हमारी ग्रीन एल्गी में इनर लेयर सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो हमारी पेक्टोस की होती है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यूजली हमारा टेक प्लेस होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। जो हमारा डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स फॉर्मेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारे मोटाइल होते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले आपको पीछे बताया था आपको। ठीक है, प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे जू स्पोर्ट्स में, जो हमारे जू स्पोर्ट्स बनते हैं, जू स्पोर्ट्स जो हमारे होते हैं वो जू स्पोरेंजिया में बनते हैं, तो उससे होता है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर हमको ये घुमा सकता है कि जो हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर की जगह वो जू स्पोरेंजिया दे सकता है आपको, है ना, और जू स्पोरेंजिया की जगह आपको जू स्पोर दे सकता है। तो हमको ये कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जो कि हमारे जू स्पोर जो बनते हैं वो हमारे जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। ठीक है, दस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सौ कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ओगेमस। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा वेरिएशन तो कर सकता है सेक्स टाइप के फॉर्मेशन में, सेक्स सेल के फॉर्मेशन में, कि मतलब किस टाइप से सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इट मे बी आइसोगेमस, आइसोगेमस का मतलब मैंने आपको बताया था सेम टाइप के गैमेट जिनका साइज जो होगा वो सेम होगा उसको हम आइसोगेमस बोलेंगे। ठीक है, एन आइसोगेमस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, उनके जो गैमेट का साइज होगा वो डिफरेंट होगा, उनको एन आइसोगेमस बोलेंगे। एंड ओगेमस जो होगा, ओगेमस मैंने आपको बताया था जो कि हमारा वॉल बॉक्स और फ्यूकस में पाया जा रहा था। ओगेमस में क्या होता है, हमारा जो फीमेल होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो हमारा स्टैटिक होता है, यानी नॉन मोटाइल होता है और लार्ज साइज होता है। ठीक है, जो हमारा
तो मेल गैमेट होता है वो हमारा स्मॉल साइज होता है वो मोटाइल होता है। जब हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है और फ्यूज करता है तो हमारा फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा, जो हमारे सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा के हमारे एग्जांपल दिए हैं, ग्रीन एल्गा के एग्जांपल जो हमें एनसीईआरटी में दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारा इन्हीं से आता है, इन बार से नहीं आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जो हमारे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ब्यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, एनकारा। ठीक है, तो अब ये कैसे याद होगा एग्जाम्पल, ये तो हमने पढ़ लिए भाई। क्लेमाइडोमोनास हो गया हमारा, वॉलवॉक्स हो गया, ब्यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगारा हो गया, एनकारा हो गया, ये हमारे एग्जांपल हैं ग्रीन एल्गी के। सो इसको हम याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक देंगे ही आपको, है ना, बिना ट्रिक के तो काम होगा नहीं, तो देखते हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक हम देख लेते हैं, सिंपल ट्रिक है। देखो तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगारा हो गया, एनकारा हो गया। तो इसके लिए एक हम ट्रिक बना सकते हैं, देखिए CCSUV, यानी CC से मतलब हमारा जो हमारा C से मतलब हुआ हमारा सी से, ठीक है, C से मतलब हुआ क्लासिक कार SUV जो हमारी कार होती है वो बहुत ही क्लासिक होती है। ठीक है, तो उससे हमने ट्रिक बना दिया क्लासिक कार SUV। C से हमारा हो गया क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एक सी से हो गया हमारा कारा, ठीक है, और जो हमारा यस से हो गया हमारा स्पायरोगारा, और यू से हो गया हमारा यूलोथ्रिक्स, है ना, और वी से हो गया हमारा वॉलवॉक्स। तो इसकी सिंपल ट्रिक होगी, तो इसकी सिंपल ट्रिक बन गई हमारी क्लासिक कार SUV, ठीक है, क्लासिक कार SUV। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फियोफाइसी, जो फियोफाइसी होता है हमारा, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। हमने बताया था जो फियोफाइसी होता है हमारा ब्राउन एल्गी होता है, ना, आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन, जो हमारा ग्रीन एल्गी था वो हमारा फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाया जा रहा था, बट अब धीरे धीरे यहाँ से सब मैराइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब धीरे धीरे हमारा मैराइन की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमारा जो ब्राउन एल्गी होता है प्राइमरली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, ठीक है, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं हमारी ब्राउन एल्गी। दिस आउट ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जो हमारी ग्रेट वेरिएशन साइज और फॉर्म में अपनी ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, ये हमारी सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, मतलब सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हमारा इक्टोकार्पस जो होता है हमारा ब्राउन एल्गी का फिलामेंटस फॉर्म होता है, इक्टोकार्पस, टू प्रोप्यूसली ब्रांच्ड फॉर्म केल्प, जो हमने देखा था केल्प की जो हाइट होती है वो 100 मीटर हो सकती है, मतलब प्रोप्यूसली ब्रांच मतलब बहुत सारी इसमें ब्रांच होंगी और वो पेड़ के तरीके देखेगा, मैसिव प्लांट बॉडी, ठीक है, विच मे रीच टू हाइट ऑफ 100 मीटर, जो कि हमारा केल्प की हाइट होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है। दे प्रोसेस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड सी, ये हमारा जो होता है ब्राउन एल्गी जो होती है हमारे, ये क्लोरोफिल ए और इसमें सी होता है, हमने बताया था आपको जो क्लोरोफिल ए होगा वो तो सब में कॉमन होगा, बाकी उसके अलावा अलग अलग, जैसे हमारा क्लोरोफाइथी में था क्लोरोफिल ए कॉमन था और उसके साथ एडिशनल में बी था, ठीक है, इसमें एडिशनल में सी है और भी हैं, ठीक है। दे प्रोसेस क्लोरोफिल ए सी कैरेटिनॉइड जेंथोफिल, मतलब क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफाइसी में हमारा ए और सी था, इसमें हमारा सॉरी क्लोरोफाइसी में ए और बी था, तो फियोफाइसी में हमारा क्लोरोफिल ए और सी है और कैरेटिनॉइड है और जेंथोफिल है, ठीक है। दे वेरी इन कलर, ये हमारे कलर में वेरी करते हैं, ये हमारे कलर में वेरी करते हैं, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, ये हमारे कलर में वेरी करते हैं, ऑलिव ग्रीन होते हैं जो हम बोलते हैं, ऑलिव ग्रीन को बोलते हैं तो हमारा जैतून होता है, जैतून ग्रीन को हम ऑलिव ग्रीन बोलते हैं, ठीक है, ऑलिव ग्रीन बोलते हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है, इसका कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है,
ड्यू टू जेंथोफिल पिगमेंट थे, है ना। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, इनमें फ्यूकोजेंथिन और प्रेजेंट होता है हमारा, फ्यूकोजेंथिन होता है और जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से इनका कलर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, और ये ग्रीन टू डिफरेंट हो सकता है। फूड स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिनमें फूड का स्टोरेज होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है फूड का स्टोरेज। फूड स्टोरेज हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमनेरिन और मैनिटॉल। कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे लेमनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में हो सकते हैं। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजली कवर आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोट ऑफ एल्जिन। तो हमको ये बताया गया वेजिटेटिव सेल है सेलुलोजिक वॉल यूजली कवर ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। जो हमारी इसमें वेजिटेटिव की जो सेल होती है इसमें सेलुलोजिक वॉल जो कवर होती है हमारी जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन से कवर्ड होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, इसका जो प्रोटोप्लास्ट कंटेन होता है इन एडिशन टू प्लास्टिड, इनके प्रोटोप्लास्ट को कंटेन करने के लिए ये प्लास्टिड्स होते हैं। ये सेंट्री लोकेटेड वक्यूल्स होता है, इसमें प्लास्टिड होता है, सेंट्री लोकेटेड वक्यूल होता है एंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट। जो हमारी प्लांट बॉडी होती है मान लो ये प्लांट बॉडी है और ये सबस्ट्रेटम मतलब आधार जो होता है हमारा उससे एक अटैच होती है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से मतलब पता चल रहा है, होल्ड मतलब पकड़ेगा, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ के रखेगा। एंड हैज ए स्टॉक, एक स्टॉक होता है एंड इस टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट ब्राउन एल्गी बाई फ्लेजिलेटेड जूस पोर का मतलब जो बाई मतलब होता है दो, फ्लेजिलेटेड मतलब दो फ्लेजिला, जूस पोर का मतलब जूस पोर यानी मोटाइल होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, मोटाइल होगा, बाई फ्लेजिलेटेड जूस पोर होता है मोटाइल होगा। डेट आर पियर सेप, जो हमारा पियर सेप हो सकता है, पियर सेप का मतलब नाशपाती के आकार का हो सकता है। एंड हैव टू अनइक्वलेटरली अटैच फ्लेजिला, और जो हमारे टू अनइक्वलेटरली अटैच फ्लेजिला भी हो सकते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, इसमें जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है वो हमारा कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा आइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब सेम टाइप गैमेट हो सकते हैं, एन आइसोगैमस हमारे डिफरेंट टाइप के गैमेट हो सकते हैं साइज में, और ओगैमस मतलब एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल कौन होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा वो छोटा होता है इसलिए, फीमेल गैमेट स्टैटिक होगा नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर, जो हमारा गैमेट का मिलाप होता है, यूनियन मतलब कहाँ पे मिलेंगे हम लोग इकट्ठे कहाँ पे होंगे, तो वो हमारा होता है वाटर पे, ठीक है, पानी पे इनका मिलाप होता है भाई, ठीक है। विद इन द ओगोनिया, मतलब ओगोनिया में होता है, जो ओगैमस की स्पीसीज होती है ओगोनिया, ठीक है। द गैमेट आर पेरीफॉर्म, पेरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप, ठीक है, एंड बियर टू लेटरल अटैच फॉर फ्लैजेला। पेरीफॉर्म का मतलब होता है जैसे ये होगा, ये तो हमारी एपाइकल पोजीशन होगी, और जो पेरीफॉर्म होती है ये होती है लेटरली, ठीक है, इसको हम पेरीफॉर्म पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। द गैमेट आर पेरीफॉर्म पियर शेप एंड पियर टू लेटरली अटैच फ्लैजेला। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, जिसकी कॉमन फॉर्म जो होती है एक्टोकार्पस होगी, डिक्टियोटा होगी, लेमिनिया होगी, सार्गाशियम होगी एंड फ्यूकस होगी, ठीक है, ये हमारी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। अब इसके लिए हमने देख लिया कि इसमें क्या है, जो हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं वो हमारे हैं एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लेमनेरिया हो गया, सार्गासम हो गया, फ्यूकस हो गया, बट ये याद हम कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ तो ट्रिक चाहिए ना, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं, क्या होगी इसकी ट्रिक, हमारी ट्रिक है एक सिंपल ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको, सेल्फ यस ई जेल्फ सेल्फ डिफेंस डी ई एफ ई एन सी ई ई।
ठीक है। इसकी जो सिंपल ट्रिक होगी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ से मतलब हो गया हमारा सार्गाशम, ठीक है। ई से हमारा हो गया इक्टोकार्पस, ठीक है। यल से हो गया हमारा लेमनेरिया, और यफ से हमारा हो गया फ्यूकस, और डिफेंस से मतलब हो गया डिक्टियोटा, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो सिंपल ट्रिक होगी वो हमारी होगी सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मतलब यस से हो गया हमारा सार्गाशम, ठीक है। ई से हो गया हमारा इक्टोकार्पस, यल से हो गया हमारा लेमनेरिया, ठीक है, और यफ से हो गया हमारा फ्यूकस, और जो हमारा डिक्टियोटा हो गया वो हमारा हो गया डी से, ठीक है, डिफेंस से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं रोडोफाइसिन। तुम्हारा रोडोफाइसिक है, तो रोडोफाइसिक क्या है, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। जो हमारे रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं उनको हम रेड एल्गी बोलते हैं, बिकॉज प्रीडोमिनेंट ऑफ रेड पिगमेंट। इनमें जो प्रीडोमिनेंट होता है वो रेड पिगमेंट होता है, प्रीडोमिनेंट एक पिगमेंट होता है हमारा आर फाइकोएरिथ्रिन। जो हमारा होता है आर फाइकोएरिथ्रिन होता है वो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में आर फाइकोएरिथ्रिन प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है, इस वजह से ये रेड दिखते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन। जो ज़्यादातर रेड एल्गी होती हैं वो मेराइन होती हैं, मैंने आपको बताया था ना क्लोरोफाइसी से वो तो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जा रही थी, उसके बाद सब कुछ मेराइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है एल्गी के केस में, ठीक है, इसीलिए इसको मोस्ट एडवांस बोलते हैं। द रेड एल्गी आर मेराइन, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन विथ ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जो हमारी रेड एल्गी की होगी जो मेराइन होती हैं उसकी जो ज़्यादा कंसनट्रेशन यानी ज़्यादा मात्रा में जो ये पाई जाएंगी वो वार्मर एरिया पे पाई जाएंगी, जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, मेराइन फॉर्म में। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, ये लाइटेड रीजन पे भी रह सकती हैं, क्लोजली लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो हमारा मैराइन और सी में होगा जो वाटर के ऊपर सरफेस होगी उसके क्लोज भी रह सकती हैं और बहुत डीप में भी रह सकती हैं, एंड आल्सो ग्रेट डीप मतलब बहुत गहराई पे भी रह सकती हैं इन ओशियन समुद्र में, ठीक है। तो समुद्र में होगी पानी की तलटी पे यानी ऊपर भी रह सकती हैं और बहुत गहराई पे भी रह सकती हैं। वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइटेड लाइट पेनेट्रेट, यहाँ पे लाइट बहुत ही कम मात्रा में पेनेट्रेट करती है यानी डेप्थ में जो हमारा ओशियन का डेप्थ होता है वहाँ पे लाइट बहुत ही कम मात्रा में पेनेट्रेट कर पाती है, वहाँ पे भी हमारी रेड एल्गी पाई जाती है, ठीक है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलर, जो इनकी रेड थैली जो होती है मोस्ट ऑफ रेड एल्गी की जो होती है मल्टी सेलर होती है, ये मल्टी सेलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें किसी किसी में इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड स्टोरेज एज फ्लोडेरियन स्टार्च, इनमें जो फूड स्टोरेज होता है वो फ्लोडेरियन स्टार्च के रूप में होता है। ये फ्लोडेरियन स्टार्च होता है वेरी सिमिलर टू एमाइलोफैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ये हमारा जो फ्लोडेरियन स्टार्च होता है वो बहुत सिमिलर होता है एमाइलोफैक्टिन और ग्लाइकोजन में उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन, जो हमारी रेड एल्गी होता है वो मेनली जो हमारा रिप्रोड्यूस करती हैं ज़्यादातर एल्गी जो हमारी फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स, जो हमारी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करती हैं, एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल, सेक्सुअली जो होगा वो नॉन मोटाइल गैमेट से होगा, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट से होगा, सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस होता है, एंड एकॉम्पनेड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा ओगैमस टाइप का होता है और इसमें एक कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। द मेम्बर द कॉमन मेंबर इसके क्या हैं, रेड एल्गी के एग्जांपल क्या हैं, इसके कॉमन मेंबर क्या हैं, तो पॉलीसेफाइनिया एंड पोरफायरा ग्लेसेरिया एंड जेलेडियम। तो इसके जो कॉमनली एग्जांपल हैं पोरफायरा हो गया, पॉलीसेफोनिया हो गया, जेलेडियम हो गया, ग्लेसेरिया हो गया। तो अब इसके लिए हम ट्रिक क्या याद करेंगे, ट्रिक तो चाहिए याद करने के लिए है, तो इसके लिए हम सिंपल ट्रिक बना सकते हैं पी स्क्वायर जी स्क्वायर,
पी स्क्वायर जी स्क्वायर, एक पी से हो गया पोरफायरा, एक पी से हो गया, पी से हो गया पोरफायरा, पोरफायरा पोरफायरा हो गया, और एक पी से हो गया हमारा पॉलीसिफेनिया हो गया पी स्क्वायर जी स्क्वायर। तो यानी एक पी से हो गया पोरफायरा, एक पी से हो गया पॉलीसिफोनिया, और एक जी से हो गया जेलेडियम, एक जी से हो गया ग्लेसेरिया। ठीक है, तो और हम देख लेते हैं। सो इस टेबल में क्या दिया हुआ है, ये 3.1 टेबल जो हमारी एनसीईआरटी की, इसमें क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर, कि एल्गी का डिवीजन और उनके कैरेक्टर के बारे में हमको बताया गया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एल्गी के एग्जाम्पल का जो हमारा टेबल दिया हुआ था, चार्ट दिया हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक तो बता दी, एग्जाम्पल भी बता दिए, बट मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ इसके बाद में। ठीक है, इसमें एल्गी की जो मेन कैरेक्टर्स थे और मतलब उसकी क्लासेस क्या थी, ये देखते हैं। एल्गी की तीन क्लासेस हमको डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मैंने सबको बता दिया है, बाकी एक समराइज मैनर पे है। आप अगर आप इतने टेबल भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन निकाल लेंगे अच्छे से एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी क्लासेस हो गई, ये कॉमन नेम हो गया, इसमें मेजर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, स्टोर फूड क्या होता है, सेल वॉल क्या किस टाइप की होती है, कैसे बनी होती है, इसमें फ्लैजला होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, एपाइकल होते हैं या पेरीफेरी होते हैं, है ना, पेरीफेरी यानी लेटरल होते हैं, है ना, इनकी हैबिटेट क्या होता है, मतलब कहाँ पे रहते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्लोरोफाइसी, जो पहला हमारा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते थे, हमने पढ़ लिया है। इसके जो मेजर पिगमेंट होते हैं, हमने बताया था क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन होगा, सारी जितनी एल्गी की क्लासेस हैं सारे में क्लोरोफिल ए कॉमन होगा, बाकी अलग क्या होगा, किसी में बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना, ये सब। और इसमें क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए एंड बी, और इसका जो फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें जो वाल होती है सेलुलोजिक वाल होती है, सेलुलोज की बनी होती है वाल। ठीक है, इसमें जो फ्लैजला होते हैं, इसमें जो फ्लैजला होते हैं, इसमें होते हैं 2 से 8 फ्लैजला हो सकते हैं, 2 से 8 फ्लैजला हो सकते हैं, जो कि इक्वल होते हैं, इक्वल मतलब बराबर साइज सेम होगा उनका, और एपाइकल होंगे, एपाइकल मतलब एपेक्स पे होंगे, यानी मतलब हमने आपको बताया था एपाइकल मतलब 2 से 8 फ्लैजला हो सकते हैं और ये एपेक्स पे हो सकते हैं, इसको हम इस पोजीशन को एपाइकल बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट क्या हो सकता है, हैबिटेट मैंने बताया था जो ग्रीन एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर हो सकती है, मराइन वाटर हो सकती है। ठीक है, दोनों होते हैं, तो इसका जो हैबिटेट हो गया ये फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिस वाटर बोलते हैं, ब्रैकिस मतलब बोलते हैं खारा पानी, जहाँ पे हमारा जो पानी होता है खारा होता है, यानी समुद्री पानी होता है ना, और एक साल्टी वाटर जो नमकीन पानी होता है, ये होता है। ठीक है, अब सेकंड क्लास देख लेते हैं इसकी हम, फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये हमने जगह इसका कॉमन नाम क्या है, ब्राउन एल्गी। इसमें जो मेजर पिगमेंट होगा, ये तो सब में कॉमन था, तो ये तो होएगा होएगा। ठीक है, ए के बाद क्या हो गया, इसमें सी हो गया और फ्यूकोजेंथिन हो गया, एक के बाद सी हो, फ्यूकोजेंथिन हो गया। इसमें जो स्टोर जो होता है, फूड स्टोर जो होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ये मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल और लेमिनेरिन, लेमिनेरिन और मैनिटॉल के बेसिस पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। ठीक है, इसमें जो सेलवाल होती है वो सेलुलोजिक की होती है, सेलुलोज भी इसमें, सेलवाल में भी जो सेलुलोज है वो सब में कॉमन आएगा, उसके अलावा जो फियोफाइसी में हमारा एल्जिन है और रोडोफाइसी में अलग अलग और भी है ना, तो हमारे इसमें सेलुलोज जो, इसकी जो सेलवाल बनी होगी फियोफाइसी की, सेलुलोज की बनी होगी और एल्जिन की बनी होगी, और इसमें जो फ्लैजला होंगे, फ्लैजला होंगे तो कैसे होंगे, 2 होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब उनका साइज सेम नहीं होगा, और वो लेटरल होंगे। ठीक है, मतलब साइड में ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये इसको हम लेटरल बोलते हैं। और जो हमारा होता है, इसका हैबिटेट क्या होगा, ये फ्रेश वाटर होंगे, कम होंगे, क्योंकि हमारा क्लोरोफाइसिस से जैसे जैसे हम रेड एल्गी की तरफ जा रहे थे, हमारा एडवांसमेंट बढ़ रहा था मराइन की तरफ। ठीक है, मराइन की तरफ सब कुछ शिफ्ट हो रहा था, तो फ्रेश वाटर तो कम होंगे, ब्रैकिस वाटर हो सकते हैं और साल्ट वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा रेड एल्गी आ गया, रेड एल्गी को मोस्ट एडवांस एल्गा बोलते हैं, रेड एल्गी को। ठीक है, इसमें जो रोडोफाइसी, इसका रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है हमारा वो रेड एल्गी है। ठीक है, इसमें मेजर पिगमेंट क्या होंगे, क्लोरोफिल एक तो कॉमन होगा, एक ही एडिशनल में डी होगा, वो फाइकोजेंथ्रिन होगा, और जो इसमें स्टोर फूड होता है वो फ्लोरोडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है,
और जो इसमें सिलवाल बनी होती है सेलुलोज की, तो बनी होती है आउटर सेलुलोज होगा, इनर पेक्टिन होगा एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर होगा। आउटर सेलुलोज होगा, इनर पेक्टिन होगा एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर होगा। ठीक है, ये हमारा सिलवाल ऑफ रेड एल्गी की है। ठीक है, इसमें जो होता है फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसको एडवांसमेंट यानी एडवांस एल्गी तभी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें भाई एक जगह पर पड़ा रहेगा, जिसको आना है भाई आएगा इसके पास। ठीक है, ये एडवांस होते हैं, इसमें फ्लैजिला होते हैं, अब्सेंट होते हैं यानी नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, इसमें ये होगा फ्रेश वाटर में, तो कुछ वाटर फ्रेश वाटर में थोड़े बहुत पाए जाएंगे, और ज़्यादातर इसके जो होते हैं मोस्ट होते हैं वो साल्टी वाटर पे पाए जाते हैं, सी वाटर पे पाए जाते हैं, और कुछ इसके ब्रैकेट वाटर में भी पाए जाते हैं। तो फिलहाल इस टेबल के बारे में तो मैंने बात कर ली है, अब आपको एग्जांपल के बारे में दिखाते हैं जो हमें एल्गी के एग्जांपल्स वगैरह में और उसके डायग्राम वगैरह में। ठीक है, तो ये जो हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल ये हमारा जो है ये वॉलवॉक्स है, ये वॉलवॉक्स के एग्जाम्पल है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं, CONOVIUM। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं। और ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारा यूरोथ्रिक्स का है, ये जो एग्जाम्पल हमका यूरोथ्रिक्स को दिया गया है, ये यूरोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये अब आप हम देख लेते हैं, ये हमारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये ब्राउन एल्गी की हैं और रेड एल्गी के हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया है B.1, ये हमारा ब्राउन एल्गी का है, ये हमारा है लेमनेरिया का, लेमनेरिया के जो है, ये हमारा लेमनेरिया का एग्जाम्पल है, लेमनेरिया का हो गया। और ये हमारा जो हो गया ये फ्यूकस का हो गया, और ये जो हमारा है डिक्टियोटा का है। ठीक है, इसमें जो होल्ड फास्ट हैं इस टाइप है, ये लीव लाइक स्ट्रक्चर जो है फ्रॉड, जिसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा फ्यूकस में इसमें भी होल्ड फास्ट हैं और मिड रिब्स हैं इसमें, और फॉर्न है और एयर ब्लेडर है जो कि बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एयर ब्लेडर का काम होता है हल्का करता है और बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा डिक्टियोटा में इसमें भी फ्रॉन है और स्टाइफ है। ठीक है, और हम देख लेते हैं हमारे जो हमारे रेड एल्गी के हमारे दो एग्जांपल दिए गए हमको कौन कौन से, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ये हमको पोरफायरा का है, ये हमारा पॉलीसिफोनिया का है। ठीक है, मॉसेस को इंक्लूड करते हैं और लिवर बर्ड को इंक्लूड करते हैं। डेड फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉस शेडेड एरिया, जो हमारे ब्रायोफाइट्स का हैबिटाट क्या होता है, कहाँ पे हमारे ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे हैं कि जो हमारे कॉमनली फाउंड ज़्यादातर जो हमारे पाए जाते हैं वो मॉस शेडेड एरिया पे, जहाँ पे हमारी छाया वाली जगह होती है और नमी वाली होती है हिल में। ठीक है, हिल में जो हमारी जो पहाड़ी होती हैं उनमें हमारी छाया वाली जगह होती है जहाँ पे और नमी होती है, वहाँ पे हमारे ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में हम लिवर बर्ड और मॉसेस को पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे इसी पर्टिकुलर वीडियो पे एलिबोरेट करेंगे आपको अच्छे से। तो हमको ये फिगर नंबर 3.2 दिया गया है, इसमें हमको बताया गया है कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स है, ये हमारा लिवर बर्ड्स का दिया गया है, ये हमारा आर्किगोनियोफोर क्या होता है, थ्रेडियोफोर क्या होता है, ये हम आगे चल के बताएंगे आपको। ये हमारा लिवर बर्ड का दिया गया है, ये हमारा मेल सॉरी ये हमारा आर्किगोनियोफोर जो हमारा होता है फीमेल का होता है, और ये हमारा एंथ्रेडियोफोर जो होता है हमारा मेल का होता है, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। ये फीमेल जीमा कब दिया गया है, ये मेल जीमा कब दिया गया है, ये हमारे राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं, ये सब हम आगे चल के आपको बताएंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। और सेकंड जो हमारा दिया गया है वो हमारा ये सेकंड जो हमको दिया गया है ये हमारा मेल थैली है, और ये जो हमारा सी दिया गया है ये हमारा फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया में हमारी गैमेटोफिटिक फेस क्या होती हैं, स्पोरोफिटिक फेस क्या होती हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेस क्या होती है हमारी, और टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेस क्या होती है, वो सब हम आपको बताएंगे इन डिटेल्स। और ये हमको जो डी फिगर दिया गया है हमारा स्फेग्नम का गैमेटोफाइट्स दिया गया है, तो आगे हम टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे, उनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, एम्फीबिया क्या होते हैं हमारे ये हम सभी जानते हैं। एम्फीबिया हमारे वो होते हैं एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है,
बायोस का मतलब होता है हमारा लाइफ। जो एम्फीबियंस होते हैं मतलब वो अपनी लाइफ दो जगह सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे जो हमारा फ्रॉग होता है उसको हम क्लास एम्फीबिया में रखते हैं, क्योंकि हमारा वो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है ना, यानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और वो अपना एक्वाटिक भी होता है, इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको हम ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट लिव इन सॉइल। ये प्लांट हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सॉइल पे भी रहते हैं, बट डिपेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारा इनको वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाटर मीडियम की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट होते हैं वो हमारे वाटर में रिलीज होते हैं और वाटर के थ्रू ये आर्किगोनियम में जाते हैं, जहाँ पे आर्किगोनियम की फ्लैश के सेव स्ट्रक्चर होती है वो हम सब आपको आगे बताएंगे, और जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे यूजली अकर्स इन डैम्प। जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे डैम्प प्लेस पे पाए जाते हैं। डैम्प प्लेस क्या होता है? जहाँ पे हमारा कोई चीज़ इकट्ठा होता है, मतलब कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसको हम डैम्प प्लेस बोलते हैं। और ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ पे हमारा आर्द्रता हो, जहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में नमी हो, और शेडेड लोकेलिटी मतलब जहाँ पे हमारी छाया भी हो वहाँ पे सारे पाए जाएंगे। दे यूजली अकर्स इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, है ना, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। तो दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है हमारा, मतलब प्लांट सक्सेशन टू टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब वो होता है जहाँ पर हमारे पहली बार मतलब वहाँ पर प्लांट ग्रो हो रहा हो, है ना, पहली बार वहाँ उसके पहले कोई वहाँ पर प्लांट ना हो, ठीक है, कोई लाइफ ना हो, तो वहाँ पे हमारा प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, बेयर रॉक्स एंड सॉइल पे मतलब द इम्पॉर्टेंट प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। तो ये हमारा क्या है, इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है इसका, ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, और जो हमारा ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मैनकाइंड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम इकोनॉमिकली बोलते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। तो आगे हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आगे देखते हैं, द प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड डेट ऑफ एल्गा। जो हमारी प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की होती है तो उसमें हमारी मोर्स डिफ्रेंशिएट होती है एल्गा से। एल्गा की बॉडी जो होती थैलस लाइक थी, है ना, उसमें स्टेम रूट इन सब के बारे में नहीं था, बट इसमें स्टेम ट्रू लीफ इसमें भी नहीं है, बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ठीक है, बट वो ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है। ठीक है, तो इट थैलस लाइक एट प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये इसकी बॉडी जो हो सकती है वो थैलस लाइक हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकती है, और इरेक्ट मतलब सीधी सीधी हो सकती है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, जो हमारा सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है मतलब किसी आधार से जुड़ा होना। आधार से जुड़ा होने का मतलब किसी बेस से जुड़ा होना, है ना, उसको सपोर्ट के लिए। ठीक है, बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड। तो यहाँ पे हमारा जो बेस का काम करेंगे, जोड़ने का, सबस्ट्रेटम का काम करेंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर राइजॉइड होते हैं। जो हमारे राइजॉइड होते हैं ब्रायोफाइट्स में, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में हम राइजॉइड को रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारे यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दे लैक ट्रू रूट। मैंने आपको बताया इसमें ट्रू रूट और लीफ और स्टेम नहीं होगा, बट दे लैक ट्रू रूट। ठीक है, स्टेम और लीव मतलब हमारी ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होती हैं। दे पोसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजॉइड बोलते हैं, है ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेम और दे पोसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्लांट की ब्रायोफाइट्स प्लांट की बॉडी होती है वो हमारी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब यन होगा, ठीक है, और डिप्लॉइड हमारा टू यन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिनोट करता है। ठीक है, क्रोमोसोम को डिनोट करता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ये हैप्लॉइड होता है, प्लांट बॉडी इसकी यन होती है। तो इट प्रोड्यूस गैमेट, ये हमारा ब्रायोफाइट
प्रोड्यूस गैमिट हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट्स। ये हमारा प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है, वो गैमिट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, है ना। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। जो हमारे ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से मिलकर बना होते हैं, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो हमारे ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडियम होते हैं। मैंने आपको पीछे भी फिगर में बताया था, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ये सब बताया था, मैंने बोला था आपको आगे चल के बताएंगे, तो यहीं पे है, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है। दे प्रोड्यूस बाई फ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। जो एंथ्रीडियम से हमारा क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड बनता है, जो कि हमारा बाई फ्लेजिलेट होता है। बाई फ्लेजिलेट का मतलब हो गया उसमें दो फ्लेजिला होंगे। सपोज डेट दिस इज द एंथ्रीडियम एंड दिस इज वन फ्लेजिला एंड दिस इज नाउ द फ्लेजिला, सो इट्स कॉल्ड बाई फ्लेजिलेट, ठीक है। बाई फ्लेजिलेट एंथ्रीडियम द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाई फ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। एंथ्रीडियम से हमारा क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड बनता है, बाई फ्लेजिलेटेड होता है, ये हम याद रखेंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं, ठीक है। इट्स फ्लैश फ्लास्क सेप। फ्लास्क सेप का मतलब होता है हमारा घड़े की नुमा के आकार की होगी, मतलब हमारी सुराही के आकार की इस टाइप की होगी, ठीक है। इस टाइप की होगी हमारी आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम। और यहाँ पे हमारा नेक में होता है, यहाँ पे हमारा जब मेल मेल गैमिट आता है, और यहाँ पे हमारा आर्किगोनियम की नेक में होता है, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम फोर इज फ्लैस्क सेप एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। ये फ्लैस्क सेप होती है और हमारी एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंथ्रोडियम आर रिलीज इन वाटर। जो हमारा एंथ्रोजॉइड होता है, एंथ्रोजॉइड होता है, रिलीज इन वाटर इन टू वेयर दे कम कॉन्टेक्ट विथ आर्किगोनियम। ये एंथ्रोजॉइड जो होता है हमारा वाटर में रिलीज होता है, ये मेल गैमिट है, वाटर में रिलीज होगा, वाटर मीडियम से होते हुए ये आर्किगोनियम के फ्लास्क सेप जो होता है उसके माउथ से होते हुए नेक में आ जाता है, वहीं पे हमारा नेक में फर्टिलाइजेशन होता है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो आर्किगोनियम की बॉडी पे होता है, माउथ पे होता है, कहाँ पे होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है आर्किगोनियम की नेक पे होता है। ये हम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, और ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। एंथ्रीडियम रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम कॉन्टेक्ट इन आर्किगोनियम। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ, जो एंथ्रोजॉइड होता है, एंथ्रोजॉइड मतलब मेल गैमिट होता है, फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। जो हमारा एंथ्रोजॉइड होता है, मेल गैमिट होता है, एग से फ्यूज करता है और हमारा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, है ना। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा जाइगोट कैसे बनता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारा फ्यूजन होता है, उसके बाद हमारा जाइगोट बनता है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जो हमारा जाइगोट होता है वो हमारा अंडरगो, डू नॉट अंडरगो मतलब हमारा तुरंत नहीं जाता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है हमारा मियोसिस, और इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है हमारा माइटोसिस, है ना। रिडक्शनल डिवीजन हमको दिया गया है तो यहाँ पे हमारे मियोसिस के बारे में बात होगी, क्योंकि हमारे जो गैमेट बनेंगे हमारा भाई, इसकी जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज करेगा तो हमारा डिप्लॉइड बना देगा, ठीक है, हमारा ट्यूजन बना देगा, ठीक है। तो हमारा ये है कि रिडक्शन डिवीजन पे हमारा नहीं जाता है जाइगोट, हमारा ट्यूजन बना, हमको अल्टीमेटली हमको हैप्लॉइड ही चाहिए, ठीक है, हमको अल्टीमेटली हैप्लॉइड चाहिए, क्योंकि हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। अब जब हमारा यन होगा और यन आके फ्यूज करेगा तो ये हमारा बना देगा, ट्यूजन बना देगा। अब ये ट्यूजन तो हो गया डिप्लॉइड, तो हमको अल्टीमेटली तो हैप्लॉइड चाहिए क्योंकि हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। तो ये जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, तभी तो हमारा ये रिडक्शन डिवीजन जाके ये हमारा हैप्लॉइड बन पाएगा, है ना। तो मेरा मेन तो यही है ना, तो इसीलिए बोला डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी। ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी दैट्स कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, हम देखेंगे भी। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने आराम से रह नहीं सकता है, वो किसी पे डिपेंड है। डू नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स।
गैमेटोफाइट्स एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। जो हमारा होता है स्पोरोफाइट होता है हमारा, ये एक डिप्लॉयड बॉडी है और ये हमारा फ्री लिविंग नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में जो हमारा डोमिनेंट कंडीशन होती है वो हमारी गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफिटिक फेस जो होती है हमारी, गैमेटोफिटिक फेस, गैमेटोफिटिक डोमिनेंट होती है हमारी ब्रायोफाइट्स में। जो हमारी होती है गैमेटोफिटिक फेस हमारी ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट होती है, और जो हमारा टेरिडोफाइट्स में होगा उसमें हमारी डिप्लॉयड कंडीशन डोमिनेंट होगी, यानी स्पोरोफिटिक फेस हमारी डोमिनेंट होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। मतलब हमारा जो होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होता है हमारा वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो हमारा अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो हमारा गैमेटोफाइट्स होता है वो हमारा फोटोसिंथेटिक होता है और हमारा वजन बनाता है, तो हमारा स्पोरोफाइट इसी पे अटैच होगा और इसी से हमारा नरिशमेंट लेगा, ठीक है, ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है, नरिशमेंट इसी से लेगा। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जो हमारी कुछ सेल होती हैं स्पोरोफाइट्स की वो हमारी रिडक्शन डिवीजन, यानी हमने बात किया था मियोसिस के बारे में, रिडक्शन डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं, वो रिडक्शन डिवीजन में चली जाती हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स, और हैप्लॉयड स्पोर बना देती हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स, और ये हमारे स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉयड स्पोर्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं और गैमेटोफाइट हमारा बना देते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट जो होता है हमारा वो हमारी गैमेटोफाइट जो होता है वो हमारा हैप्लॉयड होता है, जो स्पोरोफाइट होता है हमारा, स्पोरोफाइट जो होता है हमारा वो टूजन होता है यानी डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। जो ब्रायोफाइट्स की होती है इन जनरल हम देखें तो उसकी लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो हमारा मैनकाइंड के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट वो होता है जो हमारा इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, है ना। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। ब्रायोफाइट्स की जो हमारी है इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट कम है, ब्रायोफाइट इन जनरल लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, बट सम मॉसेस प्रोड्यूस फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट तो कम है, बट ये हमारे कुछ मॉस जो होते हैं, सम मॉस होते हैं हमारे, क्योंकि ब्रायोफाइट में मॉस और लिवर बर्ड को ही पढ़ते हैं, तो कुछ मॉस ऐसे होते हैं जो हमारे कि हर्बेसियस मैमल्स को, हर्बेसियस मैमल्स वो होते हैं जो हर्ब मतलब चारा जो छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना। बर्ड्स जो होती हैं हमारी चिड़ियाँ होती हैं एंड अदर एनिमल का चारा होते हैं, ठीक है। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम जो होता है हमारा, स्फैग्नम, स्फैग्नम को हम पीट मॉस बोलते हैं, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, पीट मॉस, ठीक है, ये हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सो स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम जो कि हमारा एक मॉस है, प्रोवाइड पीट डेट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल। ये हमारा स्फैग्नम जो कि एक मॉस है, ये हमको पीट प्रोवाइड करता है जो कि हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ठीक है, ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं स्फैग्नम, ठीक है। एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और ये ट्रांसशिप में पैकेजिंग मटेरियल के तरीके यूज करते हैं, मतलब कोई चीज़ हम कहीं से बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से हम इसको स्फैग्नम को रैप कर देते हैं, यानी जिस जिसको मंगवा रहे हैं जिस चीज़ में उसमें स्फैग्नम लगा देते हैं, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, है ना, नमी को सोख लेता है, जो हमारी चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती है, है ना, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पे कंसाइडर करते हैं, पीट मॉस बोलते हैं स्फैग्नम को हम, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस, जो मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस, जो हमारे मॉस थे और लाइकेन के साथ मिलकर क्या बना रहे थे ये हम देखेंगे। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। जो हमारे मॉस थे वो हमारे लाइकेन के साथ, लाइकेन जो होता है हमारा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहाँ पे जो हमारा लाइकेन होता है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, वो पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो नहीं करता है, जहाँ पे स्पेशली लाइकेन हमारा ये सोटू पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होता है, ठीक है। स्पेशली पूछा जाए तो ये सोटू पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होगा, अगर पूछा जाए कि हमारा लाइकेन क्या होता है, लाइकोन इज द पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, वो पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो नहीं करता है। तो हमारा जो मॉसेस और लाइकेन मिलके
मतलब बेयर रॉक, मतलब ऐसी जो हमारी रॉक पड़ी, चट्टानें पड़ी हुई थी, उनमें कॉलोनाइज हो रहे थे और वहाँ पे अब धीरे धीरे उनको डिग्रेड करके, जो हमारी रॉक थी उनको डिग्रेड करके सॉइल बना रहे थे। ठीक है, तो यही है यहाँ पे। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज कॉलोनाइज रॉक ऑन हिंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो हम इसको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट में कंसाइडर करेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल, ये रॉक को यानी चट्टानों को डिकम्पोज कर रहे थे, और सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट, और हमारे सबस्ट्रेट को सुटेबल कंडीशन बना रहे थे हमारे हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, उनको रॉक को डिग्रेड करके ये वहाँ पे सॉइल बना रहे थे, सॉइल बनाएंगे तो हमारे हायर प्लांट ग्रो होंगे, है ना। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, जो हमारी मॉस होते हैं इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये मॉस होते हैं हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें, तो जैसे सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, ये हमारी ज़मीन पे एक मोटी सी चादर, मतलब एक चटाई की तरह एक डेंस मैट बना रहे थे। ठीक है, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फेलिंग रेन, जो कि क्या कर रहे थे, हमारा जो हमारी बारिश होती है उसके फॉल होने को, उससे जब बारिश हमारी गिरती है, बारिश का पानी गिरता है तो हमारी जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी कट जाती है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटना एक तरह से। ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी कटती है, तो वो डेंस मैट बना ले रहे थे तो वहाँ से मिट्टी कट नहीं पा रही थी, उसको रोक रहा था, प्रिवेंट कर रहा था सॉइल इरोजन को। ठीक है, द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इंटू लीवर बेट एंड मॉसेस, तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीवर बेट और मॉसेस में, है ना। सो हम आगे देख लेते हैं अब लीवर बेट के बारे में। लीवर बेट क्या होता है, लीवर बेट ग्रो यूजली इन मॉइस्ट, लीवर बेट जो होता है हमारा, ये हमारा यूजली मॉइस्ट में ग्रो होता है, सेडी हैबिटाट पर ग्रो होता है, सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम, है ना, मार्सी ग्राउंड पे। मार्सी ग्राउंड का मतलब होता है जहाँ पे मार्सी एरिया वो होती है जहाँ पे हमारा दलदली होता है, दलदली भूमि जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारी मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। कभी हम देखते हैं दलदली भूमि पे तो हमको बबल्स टाइप के दिखते हैं, तो वो हमारे मेथेन गैस के प्रोडक्शन होते हैं, उससे हमारी मेथेन गैस बनती है, इस वजह से वो दिखते हैं हमको। और डैम्प सॉइल देखते हैं जहाँ पे हमारी सॉइल जमा होती है, वहाँ पे देखते हैं बेयर ऑफ ट्री है ना, एंड डीप इन बोर्ड, सॉरी बार्क ऑफ ट्री का मतलब पेड़ की छाल पे और लकड़ी पे हमारे ग्रो होते हैं, सॉरी बार्क ऑफ ट्री का मतलब पेड़ की छाल पे। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर बेट इज थैलॉइड, जो हमारी लीवर बेट की प्लांट बॉडी होती है वो हमारी थैलॉइड होती है। इसमें इसका एग्जांपल जो हमारा लीवर बेट का है वो मार्चेंटिया है, मार्चेंटिया की बॉडी थैलॉइड होती है, और हम देखेंगे रिक्सिया की बॉडी हमारी सिंपलेस्ट होती है, है ना। मार्चेंटिया में हमारा 4 थीटा कैप्सूल पाया जाता है, जब आगे पढ़ेंगे, और रिक्सिया में हमारा सिंपलेस्ट बॉडी होती है उसमें। ठीक है, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, है ना, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेज, जो हमारा इसका लीफी मेंबर्स होता है इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं, टिनी का मतलब छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं, इन टू रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक ये रो होगी इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं, तो इसको टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्टेम एक रो पे। ठीक है, सो द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेज हैज रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर बट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जो लीवर बट में होता है वो कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर बट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये हम एलगी से पढ़ते चले जा रहे हैं, एलगी में भी मैंने देखा था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैली या थैलाई जो भी पढ़े आप बट पढ़े। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, मतलब हम इसकी थैलाई को काट के कहीं और रख देंगे या फेंक देंगे तो हमारा नई इंडिविजुअल प्लांट बॉडी बना देगा, और बाई द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड जीमा या गीमा जो भी पढ़े आप बट पढ़ें। ठीक है, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जीमा बोलते हैं इनको, सिंगल इसकी होती हैं, ये प्लूरल है जीमी एंड इसका जो सिंगलर है वो जीमा है। ठीक है,
जिमा क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है कि जिमा क्या होता है, किस टाइप का होता है। जिमा आर ग्रीन होती हैं, इसके कैरेक्टर से ये देगा। जिमा ग्रीन होती है, ब्राउन होती है, रेड होती है, कैसी होती है ये देगा। और ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है या मल्टी सेलुलर होती है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे हमको दिया है मल्टी सेलुलर होती है। अब ये सेक्सुअल बर्ड होती है या एसेक्सुअल बर्ड होती है, तो ये भी हम देखेंगे, ये हमारी होती है एसेक्सुअल बर्ड होती है। जो हमारी जिमी होती है वो ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है और एसेक्सुअल बर्ड होती है, ये हम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जो जो कि हमारा स्मॉल रिसेप्टिकल पे डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं जिमा कप। ठीक है, जिमा कप, जो हमारी जिमा जो होती है वो कहाँ पे डेवलप होती है, कहाँ पे बनती है। स्मॉल रिसेप्टिकल्स का मतलब होता है छोटा सा धारण करने वाला, मतलब कफ जो हमारी जिमा को धारण करे वो रिसेप्टिकल्स बोलेंगे उसको हमारा, तो हमारी जिमा जो बनती है वो हमारी जिमा कप में बनती है। ठीक है, लोकेटेड ऑन थैलाई, जो कि हमारा थैलाई पे लोकेटेड होता है, प्लांट बॉडी पे लोकेटेड होता है हमारा जिमा कप, और उसी में हमारा जिमा बनता है। ठीक है, सिंपल सा। द जिमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो हमारा होता है जिमा पेरेंट से डिटैच हो जाता है, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और हमारा ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और हमारा न्यू इंडिविजुअल बना देगा, इसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा होगा फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट आके फ्यूज करेंगे, है ना। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई, जो ये हमारा है ये क्या बोल रहा है, जो हमारा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई, तो इसको हम समझ लेते हैं। ये हम ही बोल रहा है कि सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होगा हमारा, तो उसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो सेम थैलाई पे प्रोड्यूस बनेंगे या हमारे डिफरेंट थैलाई पे बनेंगे। जो जैसे हमारा सेम थैलाई पे बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस का मतलब होता है सेम, मोनो मतलब एक, सीएस मतलब हाउस, एक ही जगह पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनने, उसको हम बोलेंगे मोनोसियस। और इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और इसी को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, बाई मतलब दो और सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है, है ना, सेक्सुअल से रिलेटेड है, तो बाईसेक्सुअल। तो इसको हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, हमारा जो होता है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एच एम बी। ठीक है, तो यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाईसेक्सुअल। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जो सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई, है ना, अगर सेम में बनेंगे तो हम इसको मोनोसियस बोलेंगे, बाईसेक्सुअल बोलेंगे और हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, और अगर हमारा अलग अलग बनेंगे तो उसको हम डायोसियस बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे और हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू, जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है हमारा फूड सीटा कैप्सूल, जो हमारा स्पोरोफाइट होता है हमारा वो फूड सीटा कैप्सूल पे हमारा डिफरेंशिएट होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, जो हमारा मियोसिस हो जाता है आफ्टर मियोसिस, जो हमारे स्पोर बनते हैं, मियोसिस का मतलब होता है, मियोसिस दिया हमारा रिडक्शन डिवीजन, अगर रिडक्शन डिवीजन होगा हमारा, स्पोरोफाइट होता है हमारा वो डिप्लॉयड बॉडी होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो हमारा हैप्लॉयड बॉडी बनेगा, तो इसका मतलब जो हमारा स्पोर बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, है ना, हैप्लॉयड होगा हमारा स्पोर, हैप्लॉयड होगा। ठीक है, आर प्रोड्यूस, जो हमारा आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, यानी हमारा स्पोर जो होता है वो कैप्सूल में बनता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ये जो हमारे होते हैं स्पोर्स जो बनता है उससे हमारा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है। हमने आपको बताया था हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमको अल्टीमेटली हैप्लॉयड चाहिए ब्रायोफाइट की कंडीशन पे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के केस में हमको अल्टीमेटली हैप्लॉयड चाहिए, तो हमारा मियोसिस होगा वो हमको अंत में हैप्लॉयड ही मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स में हमारी गैमेटोफाइटिक फेस जो होती है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं मियोसिस के बारे में, तो हमारे क्या होते हैं मियोसिस, क्या हैं
द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज गैमेटोफाइट्स। जो हमारी प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है मॉस की, वो लाइफ साइकिल में क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, जो कि हमारे टू स्टेज कंसिस्ट करती है, यानी हमारे ब्रायोफाइट्स में लीवर बर्ड मॉसेस आते हैं और उनमें हमारी जो डोमिनेंट फेस होती है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड डोमिनेंट फेस होती है, ठीक है, ये हम जान चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट इसमें मॉसेस में हमारी गैमेटोफिटिक फेस में भी दो कंडीशन, दो स्टेज होती हैं, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है, प्रोटीनिमा स्टेज होती है। जो हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है उससे हमारा प्राइमरी प्रोटीनिमा बनता है, और जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा होता है तो उसको हम लीफी स्टेज बोलते हैं, है ना। जो स्पोर्स होता है हमारा, जो हमारा स्पोर होता है, स्पोर होता है हमारा, उससे हमारा प्रोटोनिमा बनता है, प्रोटोनिमा बनता है, प्रोटोनिमा बनता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोटोनिमा होता है, जो हमारा प्रोटोनिमा होता है उससे हमारा प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है। और जो हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उससे हमारा लीफी स्टेज बनता है, लीफी स्टेज बनता है, लीफी स्टेज बनता है। हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा से हमारा लीफी स्टेज बनता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं द मॉस में देखते हैं, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटीनिमा, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीनिमा की होती है वो हमारी विच डेवलप फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटीनिमा की वो हमारी डायरेक्टली स्पोर से बनती है, जो कि हमारा क्रिपिंग होता है, मतलब रेंगता हुआ होता है, ग्रीन होता है एंड ब्रांच होते हैं। फ्रिक्वेंटली फ्रामेंटा स्टेज होती है। जो हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है वो हमारी हरी होती है, ब्रांच होती है, मतलब उसमें शाखाएँ होती हैं। फिलामेंटस होती है क्रिपिंग, मतलब रेंगती हुई की स्ट्रक्चर होती है। बट सेकंड स्टेज जो होती है वो लीफी स्टेज होती है। जो सेकंड स्टेज जो लीफी स्टेज होती है, जो कि हमारी सेकेंडरी प्रोटीनिमा से, सेकेंडरी प्रोटीनिमा से डेवलप होती है एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है, लेटरल बर्ड की तरीके डेवलप होती है। दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइड, जो कि हमारा लीफी स्टेज होता है, ये कंसिस्ट होता है एक अपराइड होती है, सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ। स्पायरली अरेंज लीफ का मतलब होता है धागे की नुमा एक लीफ अरेंज हो, उसमें ऐसे स्पायरली अरेंज लीफ हो, ठीक है। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रोजेट। मैंने आपको बताया था जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड होते हैं। राइजॉइड जो होते हैं हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। ये रूट का काम होता है हमारे प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना। तो उसी तरह हमारे जो ब्रायोफाइट्स के केस में, मॉसेस के केस में हमारे जो राइजॉइड हैं ये भी हमारी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। ये हमारी स्टेज होती है वो सेक्स ऑर्गन बियर करती है। अब इसमें क्या है हमारा, अब फिर हमको दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारा, ये ए टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो मॉसेस में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्रेगमेंटेशन होगा एंड बडिंग के होगा, है ना। सेकेंडरी प्रोटीनिमा मॉसेस ये हमने देखा है, तो इसमें हमारा बडिंग होता है, ठीक है, इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। जो हमारे इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडियम जो होते हैं हमारा वो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, और आर्किगोनियो हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, जो कि हमारे एपेक्स ऑफ लीफी शूट पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमारा जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमारा जाइगोट डेवलप इंटू स्पोरोफाइट। तो हमारा जाइगोट हमारा स्पोरोफाइट में बन जाएगा, जाइगोट डेवलप इंटू ए स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो हमारा स्पोरोफाइट्स होता है वो हमारा फूड सीटा और कैप्सूल को कंसिस्ट करता है, ठीक है, फूड सीटा कैप्सूल को कंसिस्ट करता है। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेटेड देन लीवर बर्ड। तो हमारा इसमें क्या दिया है,
द स्पोरोफाइट इज मोर इलाबोरेट देन लीवरवर्ट। जो हमारा मॉसेस का स्पोरोफाइट होता है वो हमारा मोर इलाबोरेट होता है, मतलब थोड़ा एडवांस टाइप का होता है। एडवांस टाइप का किस लिए होता है, क्योंकि हमारा जो लीवरवर्ट में हमारा स्पोरोफाइट था वो हमारा टोटली डिपेंड था हमारे गैमेटोफाइट पे। टोटली डिपेंड होने का मतलब वो हर चीज़ उसी से लेगा, गैमेटोफाइट से हर चीज़ लेगा, बट हमारा जो इसमें मॉसेस में जो हमारा स्पोरोफाइट है वो हमारा टोटली डिपेंड नहीं है हमारा गैमेटोफाइट पे, ये हमारा पार्शली डिपेंड है। इसमें सिर्फ नरिशमेंट लेगा, बाकी अपनी खुद की ज़रूरत खुद पूरी कर लेगा, ठीक है। इसलिए हमको बोला गया है मोर इलाबोरेट देन लीवरवर्ट, ठीक है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, जो हमारे कैप्सूल होते हैं उसमें हमारे स्पोर्स होते हैं, कैप्सूल में हमारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, हमने आपको बताया था जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो हमारे मियोसिस के बाद बनते हैं, क्योंकि हमारे जो होते हैं ब्रायोफाइट का केस हम पढ़ रहे हैं तो हमको अल्टीमेटली हेप्लॉइड चाहिए, तो हमारे रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तभी हमारे स्पोर बनेंगे, ठीक है। द मॉसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन, जो हमारे मॉसेस में होते हैं एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सन का, मतलब स्पोर्स जो हमारे बनेंगे वो कैसे फैलेंगे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे फैलेंगे, डिस्पर्स होंगे, तो उसके लिए एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, बाई एयर करंट से हमारे फैलते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस, जो कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारे मॉसेस के, कॉमन एग्जाम्पल हैं हमारे वो क्या है, फ्यूनेरिया हो गया, है ना, और पॉलीट्राइकम हो गया, और स्पैग्नम हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, और स्पैग्नम हो गया, ये हमारे मॉसेस के एग्जांपल हैं। तो मॉसेस में एक जो फ्यूनेरिया होता है हमारा इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, बाय एयर करंट से हमारे इसकी स्पोर्स जो होते हैं वो फैलते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, जिससे अपने ये प्लांट का अस्तित्व बनाए रखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँ, इनकी एक जो हमारी इनकी जनरेशन बनी रहे, ये वहाँ पर अपना प्लांट बनाए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, जो हमको 3.2 हमारा फिगर दिया गया है, तो एनसीईआरटी में उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हमको दिया गया है, ए फिगर दिया गया है ये, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ट्स का है, और ये हमारा फीमेल थैली का है, क्योंकि आर्किगोनियोफोर यानी आर्किगोनियम जो हमारा होता है फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, और जो एंथ्रिडियम होता है ये हमारा मेल का सेक्स ऑर्गन होता है। तो हम ये देख लेते हैं, जो राइजॉइड होते हैं हमारे ये ब्रायोफाइट्स में, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। ये हमारी जीमा कब होती है, जिसमें हमारी जीमा बनती है, इसमें हमारी जीमा बनती है, जो कि हमारी जीमा एक थलाई होती है, और ये हमारी पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाती है और हमारी नई प्लांट बॉडी का नई प्लांट बॉडी बना लेती है, ठीक है। ये आर्किगोनियोफोर एंड थ्रेडियोफोर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये हम देख लेते हैं, इसको हम फिगर से ही ऊपर से ही पहचान सकते हैं, बाकी सब कुछ तो सिमिलर है। तो इसमें देख लो, ये फीमेल है भाई, तो फीमेल थोड़ा सा दच के बैठती है ना, है ना, बहुत सीधी फीमेल सा दच के देखने में बड़ी अच्छी, मतलब शांत स्वभाव की लगती है, बट बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। इसी तरह से इस फिगर में देखने में तो बहुत सीधी लग रही है, और ये बेचारा एक मरगिल्ला सा देखो, ऐसे गंदा शकल कर लिया बैठा है मेल, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा जो राइजॉइड है, ये भी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हो सकता है, ये भी हमारी जीमा कप, इसमें भी जीमा कप में हमारी जीमी बनेगी, और ये हमारी पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, हमारा फिर मेल प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया लीवरवर्ट में, ठीक है। ये मार्चेंटिया का हो गया हमारा, ये मार्चेंटिया का एग्जाम्पल, मार्चेंटिया का है, ठीक है। ये मार्चेंटिया का हमारा फीमेल बॉडी है, ये हमारा मेल बॉडी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं मॉसेस में, ये हमारा सी, जो हमारा सी दिया गया है, ये हमारा फ्यूनेरिया का दिया गया है, ठीक है। ये हमको देखो इसमें दिया है, यहाँ पे बताया गया है, जो ब्रायोफाइट में ए है हमारा मार्चेंटिया का है, और मार्चेंटिया में हमारी फीमेल थैलस है और हमारी मेल थैलस है। उसके बाद हमको दिया गया है सी, जो हमको दिया गया है ये फ्यूनेरिया का है हमारा, ये हमारा फ्यूनेरिया का है, ठीक है। फ्यूनेरिया में हमारा गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दिया गया है, गैमेटोफाइट जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है इन ब्रायोफाइट के केस में, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हमारा डोमिनेंट है, तो वो हमारा नीचे होगा, है ना, जो हमारा डोमिनेंट है, मतलब जो जिस पर हम डिपेंड होंगे, तो हम जिस पर डिपेंड हैं, हम लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली पर डिपेंड होते हैं, तो फैमिली पर डिपेंड होगा, जो फैमिली का मेन मेम्बर होगा वो सबसे बेस्ट पे होगा, मतलब वही सबका भार संभालेगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स हो गए इसमें, गैमेटोफाइट्स के बाद ऊपर हमारा स्पोरोफाइट दिया गया, स्पोरोफाइट जो होता है हमारा गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है टोटली और पार्शली, वो हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें जो राइजॉइड है, ये भी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हैं, इसकी मेन एक्सिस होगी ये, और ये होगी लीफ होगी, ये लीव्स होगी, लीव्स हमारी हैं, लीव्स हैं, और ये हमारा सीटा है, सीटा, और ये कैप्सूल है हमारा, जहाँ पे हमारे स्पोर बनते हैं, ठीक है।
और ये हमारा फ्यूनेरिया का दिया गया है, और ये हमारा स्फैग्नम का दिया गया है। स्फैग्नम जिसको हम पीट मॉस बोल रहे थे, ठीक है। इसमें एंथ्रेडियल ब्रांच होती है, एंथ्रेडियल ब्रांच का मतलब मेल ब्रांच, एंथ्रेडियल का ब्रांच मतलब मेल ब्रांच, ठीक है, मेल ब्रांच। और ये आर्किगोनियल ब्रांच होती है जो हमारी फीमेल ब्रांच होती है, ठीक है। तो हम ये इसमें ब्रायोफाइट्स तो हमारा ख़त्म हो गया। ब्रायोफाइट्स में हम ये देख लेते हैं हमारे जो हमारा होता है ब्रायोफाइट्स में जो हमारे लीवर वर्ट्स होते हैं, लीवर वर्ट्स जो होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स में वो हमारे कौन कौन से होते हैं, लीवर वर्ट्स ब्रायोफाइट में हमारे कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो लीवर वर्ट्स में हमारे आते हैं, एक मार्चेंटिया आता है, मार्चेंटिया आता है, और हमारा एक रिक्सिया आता है, ठीक है। जो कि मार्चेंटिया होता है हमारा, वो इसमें फोर सीटा कैप्सूल पाया जाता है। जो रिक्सिया होता है हमारा वो सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट लीवर बर्ड होता है। टेडोफाइट्स को हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम के बोलते हैं, इनको टेडोफाइट्स को हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। तो हम आपको ये बता दें, जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हमारा अगर एनिमल के केस में हुआ और हमारा प्लांट के केस में हुआ, दोनों एक साथ हुआ। जैसे हमारा एनिमल के केस में हमारे जैसे फिशेस बनी, हमारी फिशेस बनी, तो हमारी प्लांट किंगडम में हमारी एनिमल मतलब एल्गी बनी, ठीक है। एनिमल में हमारी फिशेस बनी और प्लांट किंगडम में हमारी एल्गी बनी, ठीक है। और जब हमारे एम्फीबियंस बने यानी फ्रॉक्स वगैरह बने, तो हमारे एनिमल में हमारे ब्रायोफाइट्स बने, और जो हमारे रेप्टाइल्स बने एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में हमारे रेप्टाइल्स बने, तो इसमें हमारे प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स बने, ठीक है। जब वहाँ पे हमारे मैमल्स वगैरह बने, हायर वर्टिब्रेट्स बने, एनिमल बने, तो यहाँ पे हमारे हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म वगैरह बने। तो हमारा जो एवोल्यूशन का एक सीक्वेंस देखा जाए, तो हमारा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में साथ साथ ही हुआ, एनिमल का एवोल्यूशन और प्लांट का एवोल्यूशन साथ साथ ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम के बोलते हैं इसको, इसमें टेरिडोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, हॉर्सटेल क्या होते हैं, फर्न क्या होते हैं, है ना, स्पोरोफाइल्स क्या होता है। ये हमने देखा स्पोरोफिटिक कंडीशन डोमिनेंट हमारी टेरिडोफाइट्स में होती है, बट जो हमारी ब्रायोफाइट्स में थी उसमें गैमेटोफिटिक फेस हमारी डोमिनेंट थी, बट हमारी जो टेरिडोफाइट्स में हमारी स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट होगी। स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट होने का मतलब यहाँ पे हमारी टूयन यानी डिप्लॉयड कंडीशन जो होगी हमारी डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो टेस्ट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्स, यानी टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हमारे उनमें हॉर्स टेल और फर्न होंगे, हमारे टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल और फर्न होंगे। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, जो हमारा टेरिडोफाइट होता है मेडिसिनल पर्पस से यूज होता है एज सॉयल ब्लेंडर। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, जो हमारा टेरिडोफाइट्स होता है मेडिसिनल पर्पस से तो यूज होता है, और हमारे ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट, जो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के रूप में, है ना, सजावट के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमारे एवोल्यूशनरी देखा जाए, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ तो ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल पाए जा रहे थे। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं अभी मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। सो एवोल्यूशनरी दे प्रोसेस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट प्रोसेस जाइलम वास्कुलर टिश्यूज, मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को हम समझ ही लेते हैं, जाइलम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे जाइलम, ठीक है। जाइलम में जे आ रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा जो जाइलम होगा काम क्या करेगा, जाइलम का मतलब होगा, जे से मतलब होगा जल, जल का कंडक्शन करेगा यानी वाटर का कंडक्शन करेगा, यानी रूट से हमारा जल को स्टेम तक ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा। कंडक्टिंग टिश्यू होता है हमारा जाइलम, तो हमारा वाटर का कंडक्शन करेगा, और हमारे कुछ पीजीआर
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी ले जाता है, मिनरल्स न्यूट्रिशन को भी ले जाता है ये मिनरल को। बट जो हमारा होता है फ्लोएम होता है, जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है हमारा, फ्लोएम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो फ्लोएम आधा फा बनेगा, ठीक है। फ्लोएम तो फ्लोएम या फा रहा है इसमें, तो फ्लोएम का मतलब होता है फूड, ठीक है। फ्लोएम फ्लोएम तो इसमें यफ आ रहा है, यफ से मतलब होता है फूड, ठीक है। तो ये हमारा फूड का कंडक्शन करेगा, हमारा फूड जो हमारा होगा, जो हमारी लीफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाएंगे, उसको हमारा ये रूट तक लाएगा और अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक ले जाएगा जहाँ पे हमारी फूड की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द टेडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। टेडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सॉल्वेंडर। जो हमारा टेडोफाइट होता है मेडिसिनल पर्पज और सॉल्वेंडर के रूप में यूज होता है, और हमारे ऑर्नामेंटल में भी यूज होता है। यूब्लेसनेज दिया था फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये हमारा जो यूब्लेसनेज देखा जाए तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था जिसमें वास्कुलर टिश्यू पाए जा रहे थे, जैलम और फ्लोएम, जो कि हमारा जैलम था वाटर का कंडक्शन करा रहा था, और फ्लोएम जो था हमारा फूड का कंडक्शन करा रहा था फ्रॉम लीव टू रूट और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। यूजफुल स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर इन एम चैप्टर सिक्स में अच्छे से स्टडी करेंगे। द टेडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल। जो हमारे टेडोफाइट्स होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे कूल मतलब ठंडी जगह पे, डैम्प पे, अनसेडी प्लेस पे। टेडोफाइट हमारे ठंडी जगह पे होते हैं जहाँ पे, और सेडी प्लेस होता है छाया वाली जगह होती है, और ठंडी जगह होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। थ्रू सम वे फ्लोरिस वेल सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ हमारे सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे बालुई जगह होती है, जहाँ पे बालुई मिट्टी होती है वहाँ पे जगह पे पाए जाते हैं। यू मे रिकॉल डेट ब्रायोफाइट इज डोमिनेंट फेस इन लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हमने ये देखा है, हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट के केस में कि हमारे जो उसमें लाइफ की साइकिल, लाइफ में डोमिनेंट फेस थी हमारी वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी जो कि हमारी हैप्लोइड थी। हमने आपको बताया था कि टेडोफाइट में हमारी स्पोरोफिटिक फेस जो होती है वो डोमिनेंट होती है। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी, ये हमको यहाँ पे दिया भी गया है, जो हमारी टेरिडोफाइट्स में होती है। हाउएवर टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। जो हमारे ब्रायोफाइट में थे ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं थे, बट हमारे टेरिडोफाइट में हमारे ट्रू लीफ हो गए, स्टेम हो गए और लीफ हो गई, जो उसमें हमारी ब्रायोफाइट में हमारी गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट थी, बट हमारी स्पोरोफिटिक सॉरी टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट है, यानी डिफ्लाइट कंडीशन डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें हमारे वास्कुलर टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, जॉलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं वो हम आगे देखेंगे। सीड हैबिटेट की कंडीशन जो होती है हमारी टेरिडोफाइट्स में होती है, सीड हैबिटेट क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, ठीक है। दीज ऑर्गन प्रोसेस वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू। ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू कंटेन करते हैं, जैसे जैलम और फ्लोएम। द लीफ इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो हमारी टेरिडोफाइट की लीफ होती हैं स्मॉल होती हैं, स्मॉल लीफ को हम बोलेंगे माइक्रोफाइल्स, है ना, माइक्रोफाइल्स। तो यहाँ पे क्या दिया हमारा, द लीफ ऑफ टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो हमारी टेरिडोफाइट्स की लीफ जो होती हैं स्मॉल होती हैं, स्मॉल चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रो। जब देखते हैं जो हमारा स्मॉल होता है, स्मॉल को हम बोलते हैं, स्मॉल को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। और जो लार्ज होता है हम उसको बोलते हैं माइक्रो, लार्ज जो होता है उसको माइक्रो बोलते हैं, एम ए सी आर ओ, ठीक है, माइक्रो, ठीक है। तो इसमें जो हमारी टेरिडोफाइट की जो लीफ है वो स्मॉल है एज इन सिलेजिनेला। जो हमारा सिलेजिनेला में होता है उसमें लीफ होती है जो हमारी वो स्मॉल होती हैं, है ना। और जो लार्ज होती हैं, ये लार्ज जो लीफ होती हैं माइक्रोफाइल्स जो होती हैं हमारी, ये फर्न में होती हैं। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक का ये कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट मतलब ये ज़्यादातर जगह लागू हो जाता है। जो भी नाम हमारा छोटा होगा, है ना, जो भी नाम हमारा छोटा होगा, जैसे हमारा फर्न, ठीक है, ये केमिस्ट्री और बायो के दोनों के तो उस पर लागू होते हैं। अगर जो हमारा फर्न है, फर्न का नाम देखो छोटा है बट इसके जो काम है वो बहुत बड़े हैं, मतलब ये क्या कर रहा है, माइक्रोफाइल भाई बड़ी चीज़ को चिपकाए पड़ा है अपने पास में, ठीक है। और जैसे हमारा हो गया सिलेजिनेला, तो ये हमारा इसका नाम तो बड़ा है, नाम तो बड़ा है हमारा इसका, सिलेजिनेला का नाम तो बड़ा है, स्पेलिंग बड़ी बड़ी, ये क्या है भाई छोटी चीज़ को चिपकाया पड़ा है, ठीक है। मतलब जो बड़ा होगा उसके साथ छोटा ही नाम आएगा, ठीक है, छोटी चीज़ आएगी। ये हम केमिस्ट्री, और इसमें जैसे हमारा केमिस्ट्री में भी फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl, नाम तो बहुत बड़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इसका जो फार्मूला है तीन वर्ड का है, ठीक है, ऐसे।
तो हमारी जो माइक्रो स्मॉल लीफ होती हैं वो हमारी होती हैं सिलेजनेला में, और जो लार्ज होती हैं हमारी वो फर्ने में होती हैं। द स्पोरोफाइड बियर स्पोरंजिया डेट, जो स्पोरोफाइड होता है हमारा स्पोरंजिया बियर करता है डेट आर सब्सटेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेज कॉल स्पोरोफाइल्स। तो हमारा जो स्पोरोफाइट्स होता है वो स्पोरंजिया को बियर करता है यानी धारण करता है, और जो लीफ लाइक अपेंडेजेज होती है हमारी स्पोरोफाइल्स होती हैं, है ना। सम केसेस स्पोरोफाइल्स में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जो कुछ केसेस में हमारी होती हैं जो स्पोरोफाइल्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल स्टोबलाई और कॉन्स, स्टोबलाइस और कॉन्स में डिस्टिंक्ट हो जाती हैं यानी विभाजित हो जाती हैं यानी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। जो स्टोबलाई कॉन्स हमारी किस में पाई जाती हैं, स्टोबलाई जो कॉन्स होती हैं हमारी, स्टोबलाई और कॉन्स होती हैं हमारी सिलेजनेला और इक्विसिटम पे पाई जाती हैं। स्टोबलाई कॉन्स ये हमारी किस्में पाई जाती हैं, सिलेजनेला और इक्विसिटम पे पाई जाती हैं। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना देता है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। द स्पोरंजिया प्रोड्यूस स्पोर, जो हमारी स्पोरंजिया होती है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है बाई मियोसिस इन स्पोर मदर से। जो हमारा स्पोरंजिया होगा वो हमारा स्पोर प्रोड्यूस करेगा बाई मियोसिस यानी रिडक्शन ऑफ डिवीजन से। कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? स्पोर मदर सेल में, यानी स्पोर्स हमारे बनते हैं हमारे स्पोर मदर सेल से ही बनते हैं, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज, जो हमारा स्पोर जर्मिनेट होगा तो एक हमारा गिव राइज करेगा, मतलब हमको देगा, क्या देगा? इनकॉन्सिफिकियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली थैलाइड गैमटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। एक हमारा जो हमारा ये होगा, जब हमारा स्पोर जर्मिनेट करेगा तो हमको एक प्रोथैलस देगा, है ना, प्रोथैलस देगा। तो हम ये देख ले, टर्डोफाइड में जो हमको फर्स्ट दिया गया है वो हमारा सिलेजनेला का एग्जांपल दिया गया है। ये फर्स्ट हमको जो दिया गया है ये हमारा सिलेजनेला का एग्जांपल है, ये सिलेजनेला का एग्जांपल है। इसमें हमको रूट दिया गया है, स्टेम दिया गया है, लीफ दिया गया है। ये हमको लीफ दी गई है, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये हमारा सिलेजनेला का है, सिलेजनेला का एग्जाम्पल हमारा, सिलेजनेला का एग्जाम्पल है हमारा। और ये जो हमारा है ये हमारा इक्विसिटम है, इक्विसिटम है, इक्विसिटम का एग्जाम्पल दिया गया हमारा। इसमें राइजॉइड हो गए, है ना, ये ब्रांच्ड हो गए इसकी, ये नोड हो गए, ये इंटरनोड हो गए, ये नोड हो गए, ठीक है। दो नोड के बीच की दूरी को हम इंटरनोड बोलते हैं, मतलब एक यहाँ पे जिसके बीच की दूरी को हम इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है, इंटरनोड बोलेंगे। और ये हमारा जो स्टोबिलस हम भी बोलते हैं, स्टोबिलस को हम और भी नाम से जानते हैं, इसको हम कौन से भी बोलते हैं, स्टोबिलस को हम कौन भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, लैक्स भी बोलते हैं, लैक्स, ठीक है, लैक्स भी बोलते हैं हम। ये हमारा इक्विसिटम का एग्जांपल हो गया। ये जो हमारा है हमको सी दिया गया है, सी जो दिया गया है हमारा, ये फर्न दिया है हमको, फर्न, ठीक है, फर्न की जो हमारी है ये फर्न है, ठीक है, ये फर्न हो गया। और ये जो हमको दिया गया है साल्विनिया है, साल्विनिया, ये हमको दिया गया साल्विनिया, ये हमारा साल्विनिया है, ठीक है, ये हमारा एक्वाटिक फर्न होता है, साल्विनिया हमारा एक्वाटिक फर्न होता है, एक्वाटिक फर्न होता है। आगे हम देख लेते हैं, जो स्पोर्ट्स हमारे जो होते हैं वो हमको क्या कह देते हैं, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस देते हैं। दीज गैमटोफाइट्स रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो, ये हमारे गैमटोफाइट्स को हमारे ग्रो करने के लिए हमको कूल ठंडी जगह चाहिए, डैम्प चाहिए और स्टडी प्लेस चाहिए ग्रो होने के लिए। बिकॉज दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टर्डोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एज नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। तो इसका मतलब ये है कि हमको ऐसी ऐसी कंडीशन चाहिए कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको वाटर की ज़रूरत होती है। हमारे ब्रायोफाइट्स में मैंने देखा, टेरिडोफाइट्स में भी हम देख रहे हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक क्यों पाए जाते हैं, इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म में होते हैं वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिम्नियोस्पर्म का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये हर जगह पर पाए जाएंगे ज़्यादातर। इसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में ये लिमिटेड इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि फॉलो नहीं हो पाती हैं। हर जगह हमको जैसे वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, डिजर्ट में नहीं अवेलेबल है,
तो इसी वजह से हमारा जो इसको ब्रायोफाइट और टर्डोफाइट्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नैरो जियोग्राफिकल का तो होता है, नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक ही होता है इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से है ना, बहुत सारी कंडीशन इसमें, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारे ब्रायोफाइट्स और टर्डोफाइट्स का हमारा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कुछ ही जगह में पाया जाता है, ये क्यों होता है, तो इसका हम एक आंसर कर देंगे, क्योंकि इसके जो हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए होती है वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में, तो इसलिए हमारा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक होता है। ठीक है, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो हमारे गैमेटोफाइट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन को हमने ब्रायोफाइट में आपको बताया था एंथ्रेडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड, जो हमारा एंथ्रेजॉइड होता है, एंथ्रेजॉइड जो होता है हमारा, इसके लिए हमारे वाटर की ज़रूरत होती है ट्रांसफर होने के लिए, द मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड जो होता है हमारा मेल गैमेट होता है रिलीज फ्रॉम एंथ्रेडियम, जो हमारा एंथ्रेजॉइड होता है वो मेल गैमेट होता है एंथ्रेडिया से रिलीज होता है, है ना, और ये हमारे मेल गैमेट है तो हमारा भाई मेल भाई फीमेल के पास ही जाएगा, है ना, अपनी ज़रूरत के लिए। तो इसमें हम देखते हैं, तो मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम से हमारा मेल गैमेट रिलीज होता है टू माउथ ऑफ आर्किगोनियम, और हमारी माउथ ऑफ आर्किगोनिया में जाता है, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा माउथ ऑफ आर्किगोनिया में तो जाएगा, माउथ से एंट्री मारेगा भाई, बट इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, नेक ऑफ आर्किगोनियम में होता है, ये हम याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है घुमा देगा। ठीक है, नेक ऑफ आर्किगोनियम में होता है फर्टिलाइजेशन इसका हमारा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, इसका मतलब ये है कि जब हमारा मेल गैमेट, यानी देखो ये हो गया हमारा मेल गैमेट, ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट, अब इन दोनों का हम कराएंगे फ्यूजन, जब फ्यूजन होगा तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। तो यही हमको दिया गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम, मतलब एग जो हमारा आर्किगोनियम में प्रेजेंट है वहाँ पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है हमारा नेक ऑफ आर्किगोनियम में, ठीक है, तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाता है। ठीक है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर, जो हमारा जाइगोट होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो हमारा जाइगोट होता है वो प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फिट्स ऑफ टर्डोफाइट्स, ये मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में हमारी जो होती है वो गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट होती है, बट हमारी जो टर्डोफाइट में होती है वो हमारी स्पोरोफिटिक फेस जो होती है हमारी वो डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट्स जो हमारी स्पोरोफिटिक यानी टूएन कंडीशन जो होती है हमारी वो हमारी डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है हमारी टर्डोफाइट्स में। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ टर्डोफाइट्स ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ टर्डोफाइट्स जो होती हैं हमारी टर्डोफाइट में होती हैं स्पोर जो होते हैं हमारे सिमिलर टाइप के होते हैं, सिमिलर टाइप के यानी होमोस्पोरस। ठीक है, होमो मतलब सेम, स्पोर्स मतलब स्पोर्स। ठीक है, सिमिलर स्पोर्स जो हमारा ब्रायोफाइट भी होता है वो भी हमारा होमोस्पोरस ही होते हैं, ब्रायोफाइट टर्डोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो हमारे हेटरोस्पोरस होते हैं, इसमें हमारे हेटरोस्पोरस इसमें भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है टर्डोफाइट्स में, उसके बारे में आपको ट्रिक देंगे भी। ठीक है, आप उसमें देखिएगा, इन मेजॉरिटी ऑफ द टर्डोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। ठीक है, जेनेला लाइक सिलेजनेला एंड साल्मिनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मतलब इसमें एक्सेप्शन आ गया, सिलेजनेला के जेनेला और साल्मिनिया के कुछ डिफरेंट टू टाइप के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, एक लार्ज होता है, है ना, मैंने आपको बताया था लार्ज को माइक्रो बोलते हैं और स्मॉल को माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, टू टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम हेटरोस्पोरस बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी दूंगा अभी। ठीक है, द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है
फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो लार्ज होता है, मेगा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, और जो मेल होता है हमारा वो स्मॉल होता है, ठीक है, वो यानी छोटा होता है, हमारा छोटा होता है। दम दम मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसा जैसा दिया है कि मेल हमारा छोटा होगा, फीमेल हमारी बड़ी होगी। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स। मतलब जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट होती है, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हमारी जो फीमेल का गैमीट होगा, ठीक है, वो हमारी पेरेंट बॉडी पे कुछ समय पेरेंट बॉडी पे रिटेन्ड हो जाती है स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। जो हमारा पेरेंट बॉडी है, डोमिनेंट फेड हमारी स्पोरोफाइट है, उस पर हमारी मेल गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड कंडीशन जो हमारी रिटेन्ड हो जाती है कुछ समय के लिए फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इंटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो हमारा डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो का, ठीक है, जाइगोट जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जो जाइगोट से हमारा यंग एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, यंग एम्ब्रियो बनता है वो हमारा फीमेल के गैमेटोफाइट में बनता है, ठीक है। दिस इवेंट इज ए प्रिकॉर्सर टू सीड हैबिटेट। ये हमारा इंपॉर्टेंट है फीचर्स। दिस इवेंट टू प्रिकॉर्सर टू सेड सीड हैबिटेट। सीड हैबिटेट जो हमारा होता है वो फीचर्स होता है ट्रेडोफाइट्स का, ठीक है। सीड हैबिटेट होता है हमारा फीचर्स होता है वो ट्रेडोफाइट्स का होता है। सीड हैबिटेट कहाँ पे देखा गया, सीड हैबिटेट की कंडीशन कहाँ पे पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा ट्रेडोफाइट्स में, ठीक है। कंसाइडर ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। जो हमारा सीड हैबिटेट को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसाइडर किया गया एवोल्यूशन में, ठीक है। ट्रेडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट ये सिंपल है यार, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पढ़ सकते हैं, सिंपली मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि भाई बाहुबली बनना पड़ेगा तभी हमको शक्तिमान बनना पड़ेगा तभी याद होगा, ये नॉर्मली भी याद हो सकता है, ठीक है। ट्रेडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा है ट्रेडोफाइट्स को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। देखो इसकी क्लासेस के बारे में देख लेते हैं, पहले क्लासेस के बारे में हम देख लेते हैं इसकी। इसकी चार क्लासेस जो होगी हमारी सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा में हमारा क्या आएगा, सिलोप्सिडा PSI पी साइलेंट है इसमें, सिलोप्सिडा से हमारा इसमें भी आ गया स्टार्टिंग सिलोटम, ठीक है, सेम हो गया PSI इसमें भी, और इसकी क्लास का जो सिलोप्सिडा इसमें यानी सिलोप्सिडा में क्या आ जाएगा, सिलोटम आ जाएगा, ठीक है। जो लाइकोप्सिडा LY है तो इसमें तो हम एक देखें लाइकोपोडियम आ गया, LY से मिल गया हमको लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम मिल गया, और एक हमको याद करना पड़ेगा इसमें स्लेजिनेला, ठीक है, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम हो गया, ठीक है। अब हमको देखा इफ्नोप्सिडा हमको दिया है, इफ्नोप्सिडा जो हमारे इफ्नोप्सिडा हैं, इफ्नोप्सिडा में हम एक याद कर लेंगे इक्विसिटम हो गया, ठीक है। और हमारा ट्रेडोफ्सिडा में देखो PTER हो रहा है, ठीक है, ट्रेडोफ्सिडा में आ गया टेरिस ट्रेडोफ्सिडा से टेरिस हो गया याद कर लेंगे हम, सिंपल है, और ड्रैप टेरिस हो गया, मिलते मिलते वर्ड हैं दोनों। और एडियंटम को वॉकिंग फंग भी बोलते हैं, वॉकिंग फर्म बोलते हैं, मतलब ये टलता घूमता रहता है, वॉकिंग फर्म बोलते हैं एडियंटम को, ठीक है। तो हमको इसकी चार क्लासेस के बारे में पता चल गया कि फोर क्लासेस को हम ट्रेडोफाइट्स को फोर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सिलोप्सिडा में हम सिलोटम को पढ़ते हैं, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला को लाइकोपोडियम को पढ़ते हैं, और इफ्नोप्सिडा में हम इक्विसिटम को पढ़ते हैं, एंड ट्रेडोफ्सिडा में टेरिस ड्रैप्टोरिस और एडियंटम को हम वॉकिंग फन भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो हमारा इसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए मोस्टली जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, ट्रेडोफाइट्स मोस्टली होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, बस इसमें कुछ हेट्रोस्पोरस हैं, तो उसके लिए कुछ तो ट्रिक चाहिए ना याद करने के लिए, हमको याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, यम
ए डबल एस, मार्स यम से हो गया मार्सेलिया, मार्सेलिया यम से हो गया हमारा, यम से हो गया हमारा मार्सेलिया, मार्सेलिया, मार्सेलिया। ए से हो गया हमारा एजोला, ए से हो गया हमारा एचोला, ठीक है। और यस से हो गया, एक यस से हो गया हमारा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। और एक यस से हो गया हमारा साल्विनिया, साल्विनिया, साल्विनिया को हम बोलते हैं एक्वाटिक फर्न भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्वाटिक फर्न होता है हमारा, एक्वाटिक फर्न होता है हमारा, ठीक है, एक्वाटिक फर्न होता है हमारा साल्विनिया। जैसे हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे, टेरिडोफाइट को रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट हम होता है ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल में यूज होता है, ऐसे हमारा ब्रायोफाइट भी, एक ब्रायोफाइट जो होता है वो भी हमारा मेडिसिनल होता है। उसकी एक चाय होती है, ब्रायोफाइट्स में एक चाय होता है जो कि हम गाल ब्लैडर की पतली को, किडनी की स्टोन को डिजॉल्व करने में यूज करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा, उसके उसका नाम होता है हमारा, क्या होता है वो, पॉली ट्राइकम, पॉलीट्राइकम क्यूम्यून, पॉलीट्राइकम क्यूम्यून। ये पॉलीट्राइकम क्यूम्यून जो होता है ये एक तरह की चाय है, और जो कि हमारा किडनी की और गाल ब्लेडर की स्टोन को डिजॉल्व करता है, ठीक है। ये हमारा ब्रायोफाइट से, ये हमारी ब्रायोफाइट से ये ऑप्टेन होती है, ठीक है, जो कि हमारी किडनी की और गाल ब्लेडर की स्टोन को डिजॉल्व करने में हेल्प करती है ना। मतलब होता है नेक्ट, स्पर्म मतलब होता है सीड, ठीक है, जो हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म, नाम से ही पता चल रहा है हमको, जिम्नो मतलब जिम्नोस मतलब नेक्ट, स्पर्म मतलब सीड। हमारे जिम्नोस्पर्म में जो होंगे वो नेक्ड सीड होंगे, मतलब वो किसी भी ओवेरी की वॉल से कवर नहीं होंगे, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसमें दिया है इन डिटेल्स में। जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड आर प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट कवर्डेड बाई एनी ओवेरी वॉल एट रिमेन एक्सपोज। मतलब जो हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म में होते हैं जो हमारे सीड्स होते हैं प्लांट के, वो हमारे किसी भी किसी ओवेरी वॉल के से कवर नहीं होते हैं, और वो हमारे एक्सपोज होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं, किसी कवरिंग नहीं होती इसमें, है ना। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में उसमें कोई भी सीड में कवरिंग नहीं होती ओवेरी की, ठीक है, ओवेरी वॉल की कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए हम उसको नेक्ड सीड बोलते हैं। द सीड डेट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्डेड आर नेक्ड। मतलब जो हमारे सीड बनेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमारे कवर नहीं होंगे और वो नेक्ड होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री और सरप। जो जिम्नोस्पर्म में होते हैं हमारे वो मीडियम साइज ट्री, मतलब छोटे छोटे मीडियम साइज के भी ट्री होंगे, और जो हमारे होंगे लार्ज साइज के ट्री, लार्ज साइज के बहुत बड़े बड़े जेंट जेंट प्लांट, जैसे बोलते हैं सिकोया हमारा होता है, रेडवुड रेड ट्री होते हैं वो, सिकोया बहुत ही जेंट होता है, बहुत ही विशाल होता है। और सर्प मतलब होते हैं झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ हम जिम्नोस्पर्म में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वंस ऑफ जिम्नोस्पर्म डेट जेंट रेड ट्री सिकोया, जो हमारा विशाल पेड़ होता है, ठीक है, जेंट रेड ट्री होता है हमारा सिकोया, ठीक है, टालेस्ट ट्री स्पीसीज, ये हमारी टालेस्ट ट्री स्पीसीज की टालेस्ट ट्री है सिकोया, बहुत ही विशाल होते हैं, ठीक है। इसकी जो लकड़ी होती है रेड वुड ट्री वो नाम से बोलते हैं, लाल लकड़ी होती है इसकी, ठीक है। द रूट आर रियली टेप, जनरली टेपवुड, सॉरी, जो इसकी जो जिम्नोस्पर्म में होता है, जो जिम्नोस्पर्म में होती है हमारी जो रूट होती है जनरली टेपवुड होती है, द रूट आर जनरली टेपरूट, ज़्यादातर जो होती है हमारी जिम्नोस्पर्म में टेपरूट ही पाई जाएगी, ठीक है। रूट इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन, जो हमारे रूट होते हैं जिम्नोस्पर्म में कुछ फंगल एसोसिएशन हो जाते हैं, जिसको माइक्रोजिया बोलते हैं, माइक्रोराइजा बोलते हैं। माइक्रोराइजा जो होता है हमारा, जब हमने देखा था जैसे हम एल्गी में पढ़े थे, जो हमारा फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन हो रहा था तो हमारा लाइकेन बन रहा था, बट हमने आपको वहाँ पर बताया था अगर फंजाई का एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट से होगा तो हमारा माइकोराइजा बनाएगा, ठीक है, माइकोराइजा बनाएगा, ठीक है। रूट ऑफ सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन
इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा, जो हमारा पाइनस बनाता है। माइक्रोराइजा हमारा पाइनस, एक हमारा जिम्नोस्पर्म है तो माइक्रोराइजा बनाता है। व्हाइल सम अदर, जो हमारा साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस में क्या होते हैं, सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज रूट, साइकस की जो रूट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। स्पेशलाइज रूट, कोरेलॉइड रूट आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इना बिना नॉस्टॉक होते हैं हमारे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो इसकी रूट होती है साइकस की, कोलेरॉइड रूट होती है, ठीक है, ये हमारा इसमें बनाता है, ठीक है। पाइनस में हमारा माइक्रोजिया बनाता है, साइकस में हमारा कोलेरॉइड रूट बनाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ में, ठीक है। द स्टेम आर ब्रांच, जो हमारा स्टेम जो होता है, हमारा ब्रांच स्टेम होता है, अनब्रांच स्टेम होता है। ब्रांच स्टेम मतलब जिसमें शाखाएं होंगी, अनब्रांच स्टेम जिसमें शाखाएं नहीं होंगी, ठीक है। द स्टेम आर ब्रांच, जो स्टेम आर अनब्रांच, जो अनब्रांच स्टेम होता है वो हमारा किस में पाया जाता है, अनब्रांच स्टेम जो होता है हमारा वो साइकस में पाया जाता है, और जो हमारा ब्रांच स्टेम होता है वो पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है, पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग से पूछ लेते हैं कि ब्रांच स्टेम किस में पाया जाएगा, साइकस की जगह सिड्रस दे देंगे, है ना, ये हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है, तुम इसको देख लेंगे अच्छे से। यानी हमारा अनब्रांच जो होता है हमारा साइकस में पाया जाता है, और जो हमारा होता है ब्रांच होता है वो पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है, ठीक है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, मतलब जो हमारी जिम्नोस्पर्म की लीफ होती हैं वो सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं। सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बताएंगे, वहाँ पर सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है। तो फिलहाल हम आपको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जो सिंपल लीफ जो होती है हमारी, मान लो ये लीफ है, इसकी जो मिड लीफ है, अगर हमारी जो लीफ का लमाइना है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, ये लीफ बेस हो गया, ये पेटियोल हो गया, इसको हम लमाइना बोलते हैं, ठीक है, लमाइना हो गया और इसको पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल हो गया और ये लीफ बेस हो गया, इसको हम ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसकी जो होती है, ये मिड रूप को हमारी, जिसकी जो लमाइना हमारा इंटायर टच ना करे, मतलब हमारा ऐसे सिंपल ऐसे रहे, तो इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। और हमारे अगर ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे हुआ, फिर भी हमारा लमाइना उसको मिड रिप को टच नहीं कर रहा है, तो भी हम इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। बट कंपाउंड लीफ क्या होती है हमारी, जो कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ हमारी वो होती है जो हमारी मिड रिप को ऐसे टच कर दे और लीफलेट में डिवाइड्स हो जाए, है ना, इसको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो होती हैं, इसकी लीफ जो होती हैं सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं। इन साइकस, साइकस में होती हैं कंपाउंड लीफ में, पिनेटली लीफ होती हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली से पता चल रहा है पाम, पाम का मतलब हथेली, ठीक है। तो मतलब पामेटली कंपाउंड लीफ मतलब ऐसे ऐसे टाइप की लीफ लगी होंगी, पाम की तरीके, मतलब हथेली के तरीके, ठीक है। और पिनेटली मतलब पिन की तरीके, ठीक है। इन साइकस, इन साइकस द पिनेट लीप परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। जो पिनेट लीप होती है साइकस में, बहुत सारी साल तक परसिस्ट होती है। पिनेट लीप मतलब पिन की तरीके ऐसी लीप होंगी साइकस में, ठीक है, पिनेट लीप ऐसे पिन की तरीके, ठीक है। साइकस पिनेट परसिस्ट फ्यू ईयर्स। द लीप इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड फॉर विद स्टैंड स्टीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। जो हमारी जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती हैं वो वेल अडॉप्ट होती हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब हार्ड हैबिटेट पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेगी अपने आप को अच्छे से, और ह्यूमिडिटी जहाँ पे आर्द्रता हुई, है ना, जहाँ पे हवा हुई वहाँ पे सब अपने आप को सर्वाइव कर लेंगी। इन कोनीफर द नीडल लीप, इन कोनीफर नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया। इन कोनीफर से जो होते हैं हमारे, जहाँ पे डिजर्ट होता है हमारा, वहाँ पे जो हमारे की लीफ होती हैं वो हमारी नीडल लाइक होती है। नीडल लाइक का मतलब उनका जो पॉइंटेड होंगी, नॉर्मली लीफ तो ऐसे होगी, बट जो पॉइंटेड हो जाएगी तो उसको सरफेस एरिया जो होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो वाटर लॉस होगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू, जो हमारा वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं, वाष्पोसर्जन जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन को, तो उसके थ्रू जो हमारा वाटर का लॉस होगा वो हमारा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा। जो हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर का लॉस ही कम हो जाएगा। देयर
क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, और हमारी कोनी पर्स में नीडल लाइक लीफ होती हैं और जो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और उनका जो क्यूटिकल होती हैं उनमें थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है जो ट्रांसपिरेशन को हमारा रोकती है, ठीक है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। एंड संकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होंगे उसमें लीफ में हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं जो ट्रांसपिरेशन कराते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। जो हमारे संकन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, आल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, जो कि हमारे वाटर को लॉस को रोकते हैं, ठीक है। द जिम्नोस्पर्मम हेटरोस्पोरस, जो हमने आपको बताया था जो प्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स था वो मोस्टली होमोस्पोरस थे, बट ट्रेडोफाइट्स में कुछ एक्सेप्शन थे जिसको हमने ट्रिक्स के थ्रू बताया था मास, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरा ट्रेडोफाइट्स का वीडियो देखिए, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म आर हेटरोस्पोरस, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमारे हेटरोस्पोरस होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स होंगे। दे प्रोड्यूस हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, ये हमारे हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाएंगे, हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाएंगे, ठीक है, हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाएंगे। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विदिन स्पोरेंजिया, जो हमारे टू टाइप के स्पोर्स होंगे स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। डेट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफाइल्स, जो कि हमारे स्पोरोफाइल्स से बॉर्न होते हैं। विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, जो हमारे एक एक्सिस में स्पायरली अरेंज होते हैं। फॉर्म लैक्स लैक्स और कॉम्पैक्ट स्टोबलाई और कॉन्स, मैंने आपको बताया था स्टोबलाई इक्विसिटम में बताया था स्टोबलाई कॉन्स और लैक्स, इसको तीनों को बोलते हैं, ठीक है। स्टोबलाई बियरिंग माइक्रो स्पोरोफाइल, जो हमारा स्टोबलाई होता है माइक्रो स्पोरोफाइल्स बियर करता है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है। कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबलाई, जो हमारा मेल होता है वो हमारा माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबलाई बोलते हैं, है ना। माइक्रो मतलब मैंने बताया था मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, ये मैंने आपको ट्रेडोफाइट्स में ही बताया, तो उसी से आप हम समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेल स्ट्रोबलाई को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटिक जनरेशन, जो हमारा मेल होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है हमारा, डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में डेवलप हो जाता है। विच इज हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट्स, हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट्स कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होंगी। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, है ना, जो रिड्यूस गैमेटोफाइट हो गया वो उसको पोलन ग्रेन का होता है, हमारा रिड्यूस गैमेटोफाइट होते हैं, हमारी पोलन ग्रेन बोलते हैं, हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि हमारा पोलिनेशन में हेल्प होता है इसमें। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, जो हमारा जो हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे कहाँ पे बनेंगे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है हमारा, ठीक है, उस पे हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। द कॉन्स बियर मेगा स्पोरोफिल, जो हमारे कॉन्स होंगी उसमें मेगा स्पोरोफिल होंगी, जो मेगा स्पोरोफिल होंगी तो वही फीमेल स्टोबलाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। द कॉन्स बियर मेगा स्पोरोफिल विथ ओब्यूल और मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब बड़ी और फीमेल कॉन्स, ठीक है, जो हम बोलें माइक्रोस्पोरेंजिएट को बोलें हम मेल स्टोबलाई और माइक्रोस्पोरेंजिएट को बोले हम फीमेल स्टोबलाई, ठीक है। द मेल एंड फीमेल कॉन्स और स्टोबलाई में भी बॉर्न ऑन सेम ट्री, जो हमारी मेल और फीमेल स्टोबलाई और कॉन्स होंगी वो सेम ट्री पे हमारी बॉर्न हो सकती हैं, यानी पाई जा सकती हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेम ट्री पे जो होगी उसको हम बोलेंगे मोनोसियस। तो हमारा पाइनस जो होता है हमारा वो मोनोसियस होता है, ठीक है, पाइनस जो होता है सेम ट्री बोला है तो हमारा वो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ट्रेडोफाइट्स में मोनोसियस, ठीक है, डायोसियस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ये होगा हमारा, तो इसमें मोनोसियस हो गया हमारा, पाइनस हो गया हमारा मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब एक ही में मेल और फीमेल, ठीक है, मोनो मतलब एक, सीएस मतलब हाउस, मतलब एक ही घर में मेल और फीमेल होंगे, मोनोसियस बोलेंगे उसको, ठीक है। हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, अब इसमें हमको बता दिया साइकस में हमारा बोल दिया मेल कॉन्स यानी हमारा माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स यानी फीमेल कॉन्स बॉर्न डिफरेंट ट्री, मतलब अलग अलग ट्री पे होंगे, तो हमारा जो साइकस होगा हमारा वो
डायोसियस हो गया, साइकस हमारा जो हो गया वो डायोसियस हो गया हमारा, साइकस जो हमारा है वो डायोसियस है, डायोसियस ठीक है, साइकस हमारा डायोसियस हो गया। द मेगा हिपो मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द तो यहाँ पे द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब है हमारा जो मेगा स्पोर सेल हैं वो हमारी डिफरेंशिएट हो जाती हैं इन न्यूक्लियस में, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओव्यूल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है हमारा ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल के चारों तरफ कवरिंग टाइप का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा वो प्रोटेक्ट करेगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, जो हमारा ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल पे बॉर्न होता है यानी मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल्स, हमारे फीमेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉन्स, जो कि हमारे क्लस्टर ऑफ फीमेल कॉन बना सकता है ना, क्लस्टर ऑफ फीमेल कॉन हो सकता है। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइडेड म्यूटिकली टू फॉर्म फोर मेगा स्पोर, ठीक है। जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल होता है हमारी म्यूटिकली डिवाइड करती है यानी डायरेक्शन डिवीजन से डिवाइड करेगी यानी हमारी फोर चार मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी, ठीक है, चार मेगा स्पोर बनाएगी, फोर मेगा स्पोर बनाएगी हमारी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोर मेगा स्पोर। वंस ऑफ मेगा स्पोर इनक्लोज विद द मेगा स्पोरंजिया, जो कि हमारा एक मेगा स्पोर होगा वो हमारा मेगा स्पोरंजिया से इनक्लोज हो जाएगा, डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप हो जाएगा। डेड बियर टू और मोर आर्किगोनिया, जो कि हमारा दो या दो से ज़्यादा आर्किगोनिया बियर करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया हमारा होता है तो उसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। द मल्टी सेलुलर फीमेल, जब मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेंड विद इन द मेगा स्पोरंजिया, जो मल्टी सेलुलर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है यानी फीमेल गैमेटोफाइट यानी हेफिलॉइड कंडीशन जो होती है हमारी वो हमारी मेगा स्पोरंजिया पे रिटेंड होता हो जाती है कुछ समय के लिए। सो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो हमारा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स थे हमारे, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में हम देख रहे थे स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज क्या थी, है ना, ब्रायोफाइट में हमारी गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट थी, टेरिडोफाइट में हमारी स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट थी, बट हमारे इन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्पोरोफिटिक फेज ही डोमिनेंट होती है हमारी, डिप्लॉइड कंडीशन ही होती है हमारी, ठीक है, इसका मतलब ये है। दे रिमेन विद इन द स्पोरंजिया रिटेन फॉर ऑन स्पोरोफाइट्स, ये हमारे स्पोरंजिया पे होते हैं और स्पोरोफाइट्स पे बने रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रो स्पोरंजियम, जो हमारी पोलन ग्रेन होती है वो हमारे माइक्रो स्पोरंजियम से रिलीज होती हैं। दे आर कैरीड इन एयर करेंट एंड कम कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफाइट्स, ठीक है। ये हमारी जो होती हैं ये हमारे पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं माइक्रो स्पोरंजियम से, वो कैसे रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन हमारे रिलीज होंगे बाय एयर करंट के थ्रू, मतलब हम हवा से रिलीज हो जाएंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम मेगा स्पोरंजियम थ्रू द कैरीड आउट बाय एयर करंट एंड कम कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल की होगी वहाँ से मेगा स्पोरोफिल से रिलीज हो जाएंगे। द पोलन ट्यूब कैरीड ऑन द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनियम इन द ओव्यूल, जो हमारे पोलन ट्यूब होती है वो हमारे जो हमारा होता है
पोलन ट्यूब से हमारे जो होते हैं मेल गैमेट कैरी होते हैं वो हमारे आर्किगोनिया की ओव्यूल की तरफ आते हैं और वहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं आर्किगोनिया के माउथ पे अपना कंटेंट। ठीक है, ठीक है, जो अपना मेल गैमेट का कंटेंट होता है वो हमारा आर्किगोनिया के माउथ की तरफ वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड्स द आर्किगोनिया इन ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। यानी अपना जो मेल गैमेट का कंटेंट है वो आर्किगोनिया के माउथ पे डिस्चार्ज कर देगा। फिर इसके क्या होता है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो, और हमारा जो जायगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एंड ओव्यूल, जो हमारा जायगोट डेवलप होगा हमारा वो हमारा एम्ब्रियो में बनेगा, और जो हमारा ओव्यूल होगा वो हमारा डेवलप होगा सीड पे। ठीक है, जो हमारा जायगोट होगा वो एम्ब्रियो में बन जाएगा और जो ओव्यूल होगा वो हमारा सीड में बन जाएगा। ठीक है, दीज सीड नॉट कवर्ड, जो हमारे सीड होते हैं किसी भी ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, साइकस दिया गया, पाइनस दिया गया, जिंको दिया गया है। तो हम देख लेते हैं साइकस क्या है हमारा। साइकस ये हमारा जो एग्जांपल है ये साइकस का दिया गया है। साइकस में पिनेटली लीप थी, पिनेटली पिन की तरीके लीप थी। ठीक है, साइकस का हो गया एग्जांपल। ये हमारा हो गया पाइनस का। ठीक है, जो पाइनस था हमारा मोनोसियस था और साइकस जो था हमारा डायोसियस था। ठीक है, ये हमारा जिंकगो को हम बोलते हैं लिविंग फोसाइल। ये हमारा होता है लिविंग फोसिल जो होता है हमारा लिविंग फोसिल का मतलब होता है जीवित जीवाश्म। ठीक है, जीवित जीवाश्म का मतलब जब से हमारा अर्थ में, मतलब हमारे जब से एवोल्यूशन हुआ उस चीज़ को वो बनी और अभी तक, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी वो है, प्रेजेंट टाइम में भी पाई जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं लिविंग फोसिल। ठीक है, जीवित जीवाश्म। ठीक है, जिंकगो को हम जीवित जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारा जिम्नोस्पर्म ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी प्लांट की लाइफ साइकिल के बाद बात करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ये चैप्टर जो होगा एनी प्लांट किंगडम अपना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम फर्दर एनिमल किंगडम के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में, फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, और फिर आफ्टर दैट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। सो टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे। इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विथ फ्रेंड्स। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू। ओव्यूल आर नेक्ट, जो हमारा जिम्नोस्पर्म था वहाँ पर हमारा ओव्यूल जो था वो नेक्ट था। नेक्ट इसलिए था क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन के पहले और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहाँ पे जो हमारा सीड जो था हमारा वो ओव्यूल जो था हमारा वो कवर्ड नहीं था किसी भी ओवरी वॉल से, इसलिए इसको हम नेक्ड सीड बोल देते हैं। ठीक है, जिम्नोस मतलब होता है नेक्ड सीड वाला के बारे में। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म और फ्लोरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें फ्लोरिंग होती है, फूल खिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। जो एंजियोस्पर्म होता है इसको फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे मेल गैमेट होते हैं, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट होते हैं एंड ओव्यूल डेवलप इंटू, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इंटू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल फ्लावर्स। जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं डेवलप इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो हमारे सीड होते हैं वो हमारे फ्रूट्स में इनक्लोज होते हैं। इनक्लोज का मतलब बंद होते हैं। ठीक है, हमारे जो फ्रूट्स में के अंदर हमारे सीड पाए जाएंगे इन एंजियोस्पर्म में, इसके लिए हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं इसको। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, जो एंजियोस्पर्म में होता है वो बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, जो हमारे वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट में पाए जाते हैं। हमारे जिम्नोस्पर्म में भी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक होता है, पर एंजियोस्पर्म का जो होता है वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम, ये एंजियोस्पर्म का जो होगा वो कहाँ से हो सकता है, दे रेंज फ्रॉम फॉर्म ए स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, वॉल्फिया,
वॉल्फिया ट्री जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, एंड जो टाल ट्री होता है यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस सभी लोगों ने देखा है, उसकी जो हाइट होती है 100 मीटर तक होती है, यानी 100 मीटर तक हाइट होता है टाल ट्री होता है। जो जिम्नोस्पर्म में हमने जेंट वुड, जेंट का पढ़ा था, सिकोया था हमारा प्लांट था वहाँ पे, ठीक है, जिसको रेड ट्री वुड बोलते थे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे एंजियोस्पर्म में हमने टालेस ट्री पढ़ा है, यूकेलिप्टिस 100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो हमने एल्गी में पढ़ा था, ठीक है, केल्प के बारे में पढ़ा था, ब्राउन एल्गी था, उसकी भी हाइट जो थी 100 मीटर थी, ठीक है। सो दे प्रोवाइड अस विथ फूड, ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, फूडर का मतलब होता है चारा, एंड फ्यूल, और हमारी ईंधन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लकड़ी जो होती है हमारी प्लांट्स की लकड़ी, हम उसको फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं खाना बनाने में, एंड अदर सोर्सेस में, ठीक है। एंड मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनसे हमको क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है, मतलब हमको खाना मिलता है, उससे फूडर मतलब हमको चारे के रूप में, मतलब हम अपने जानवरों को, एनिमल्स को चारे के रूप में यूज करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन, लकड़ी हमारी ईंधन के रूप में यूज होती है। मेडिसिन मतलब कुछ हमारी मेडिसिन बनती है हमारी, और सेवरल अदर कमर्शली, जो हमारी कमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो भी बनते हैं हमारे। दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, जो हमारे एंजियोस्पर्म को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हमारी, टू क्लासेस जो हमारी, एक डाइकॉट है एंड एक मोनोकॉट है, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। तो डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन का मतलब ये है कि हमारे जो सीड होंगे उसमें टू कोटिलेडॉन होगी, मतलब बीज से एक सेप्टा होगा। जैसे हमारा ग्राम होता है, चना होता है, तो उसको जब हम सीड को तोड़ते हैं तो वो हमारा बीज से अलग हो जाता है, एक सेप्टेट अलग हो जाएगा, एक पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा, तो इसको डाइकोटिलेडॉन बोलते हैं, ठीक है। डाइकॉट में आता है हमारा ग्राम, ठीक है। और हमारा जो मोनोकॉट होता है उसका सीड हमारा अलग नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारा वीट हो गया, वीट को हम बीज से तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, उसमें ऐसे बना तो होता है बट वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो वीट होता है वो मोनोकॉट में आता है, डाइकॉट में हमारी जो लेग्यूमिनस की आती हैं, दालें आती हैं, वो सब डाइकॉट में आती हैं, ठीक है। दो कोटिलेडॉन हो जाते हैं इसको तोड़ने पर सीड के अलग अलग टुकड़ों पर, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट, इन डाइकोटिलेडॉन आर कैरेक्टरिस्टिक बाई सीड हैविंग टू कोटिलेडॉन, मतलब डाइकॉट में हमारी होंगे, सीड में टू कोटिलेडॉन होंगे, और इसमें जो हमारा रेटिकुलेट विनेशन होता है, लीफ में रेटिकुलेट विनेशन होता है, एंड टेट्रामेरस और पेट्टाबेरस फ्लावर्स होते हैं। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि डाइकॉट में क्या क्या फीचर्स होंगे। डाइकॉट के लिए फीचर हम मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट के लिए हम फीचर बताते हैं आपको। डाइकॉट के लिए हम बताते हैं DTR, ठीक है, DTR, ठीक है, DTR यानी डाइकॉट, डी से डाइकॉट, ठीक है, टी से हो गया हमारा डाइकॉट में क्या होगा, टैप रूट, ठीक है, टैप रूट, और आर से हो गया हमारा रेटिकुलेट विनेशन। विनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन को हम विनेशन बोलते हैं। ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में सब आपको अच्छे से ट्रिक्स से बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। सो डाइकोटिलेडॉन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय सीड हैविंग टू कोटिलेडॉन, रेटिकुलेट विनेशन होता है, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस इसकी जो होती है फ्लावर्स होते हैं, हैविंग टेट्रामेरस मतलब चार से मल्टीप्लाई हो, उसकी जो होंगी फ्लावर बर्ड्स होंगी, फ्लावर वर्ड्स होंगी हैविंग चार, और पेंटामेरस में 5 मेंबर होंगे इसमें फ्लावर वर्ड में, ठीक है, फ्लावर वर्ड्स में इसके 4 और 5 की मल्टीप्लाई में मेंबर होंगे। द मोनोकोटिलेडॉन ऑन अदर हैंड, जो मोनोकोटिलेडॉन होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें सिंगल कोटिलेडॉन होते हैं। मोनोकॉट में मैंने आपको बताया सिंगल कोटिलेडॉन होते हैं सीड में, पैलर विनेशन होता है, और उनकी लीफ में, और जो उनकी जो होती है सिमेट्री ट्राइमेरस होती है फ्लावर में, एंड 3 मेंबर ऑन फ्लोरल वॉल्स में। तो मोनोकॉट के लिए हम देख लेते हैं, उसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं, MAP जो होता है मैप, मैप का मतलब हो गया, यम से हो गया हमारा मोनोकॉट, ए से हो गया एडवेंटेटियस रूट, ओपी से हो गया पैरेलर विनेशन, मतलब हमारा पैरेलर विनेशन होगा, एडवेंटेटियस रूट होगी और हमारा मोनोकॉट होगा, ठीक है। मोनोकॉट में हमारा पैरेलर विनेशन होता है,
इसमें जो होती हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स होती हैं हैविंग थ्री मेंबर्स इन ईच फ्लावर वोल। ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब तीन मेंबर होंगे उसके ईच फ्लावर वोल्स में, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर ईच, जो मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में होते हैं उसको हम स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर का स्टेमन, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद द एंथर ऑफ देयर टिप। जो स्टेमन होता है हमारा एक फिलामेंट होता है, और यहाँ पे एक ऐसे एंथर होता है, बाइलोब्ड एंथर होते हैं, ठीक है। बाइलोब्ड एंथर होते हैं, एक सेक्शन हमारा मालवेसी, ठीक है, मालवेसी की फैमिली में हमारे एक सेक्शन है हमारा एंथर का, ठीक है। जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर स्टेमन होता है, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर फिलामेंट विथ एंथर एट द टिप। जो टिप पे हमारे एंथर होते हैं, विद इन द एंथर जो हमारे एंथर में होता है वो हमारे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। जो हमारे एंथर में होते हैं विद इन एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइडेड मियोसिस बाई मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड होंगी, प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर मतलब छोटे छोटे स्पोर बनाएंगी विच मेच्योर हो जाते हैं टू पोलन ग्रेन। जो हमारे एंथर में होते हैं हमारे पोलन मदर सेल होती हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे यानी रिडक्शन डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेंगे और बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। जो माइक्रोस्पोर होते हैं हमारे वो मैच्योर होकर हमारे क्या पोलन ग्रेन बना देते हैं, पोलन ग्रेन बना देते हैं, ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इन फ्लावर इज पिस्टिल। जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टिल, पिस्टिल होते हैं हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन। पिस्टिल इज कंसिस्ट ऑफ सोलन ओवरी, जो पिस्टिल की होती ओवरी होती है वो सोलन होती है एट द बेस, मतलब बेस पे हमारी होती है ये ऐसे सोलन ओवरी होगी। एंड सिलेंडर जो होती है स्टाइल होता है, और यहाँ पे फिर हमारी एक स्टिग्मा टाइप की ऐसी होती है, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी हो गई ये हमारा स्टाइल हो गया, और ये हमारा जो हो गया स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा पे हमारे पोलन ग्रेन आके इसी पे आते हैं और यहाँ से फिर एंट्री मारते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर पिस्टिल, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ सोलन ओवेरी इट बेस एंड लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा इन साइड द ओवेरी। ओवेरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवेरी में इन साइड द ओवेरी ओव्यूल आर प्रेजेंट। जो हमारा ओवेरी में होता है ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जनरली ईच ओव्यूल हैव ए मेगा स्पोर मदर सेल, जनरली जो होता है ज़्यादातर होते हैं हमारे ईच ओव्यूल में एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है डेट अंडर गो मियोसिस, जो कि हमारा मियोसिस में जाती है, अंडर गो मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन पे जाती है, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन पे जाती है टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड, चार हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाती है हमारी, ठीक है। तो हमारी जनरली ईच ओव्यूल एज मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो हमारी रिडक्शन डिवीजन पे जाती है और चार हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाती है हमारी, जिसमें कि क्या होते हैं थ्री ऑफ देम डीजनरेट। जो हमारी तीन होते हैं उनमें चार बनाती है, जिसमें कि तीन हमारे होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं मतलब हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड वन थ्री जो होते हैं हमारे डीजनरेट हो जाते हैं एंड वन डिवाइडेड टू फॉर्म इम्ब्रियो। जो हमारा एक डिवाइड करके इम्ब्रियो सेक बनाता है। ईच इम्ब्रियो सेक हैज थ्री सेल्ड, ईच इम्ब्रियो सेक में हमारी तीन सेल होती हैं, तीन सेल होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एक अपरेटस बोलते हैं। जो हमारी ईच इम्ब्रियो जो हमारी तीन मेगा स्पोर जो थे हमारे, ठीक है, वो हमारे डिजनरेट हो जा रहे थे। एक जो हमारा था वो इम्ब्रियो सैक बना रहा था, इम्ब्रियो सैक बना रहा था जिसमें कि थ्री सेल होती हैं जिसको हम एक अपरेटस बोलते हैं, एक अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। एक अपरेटस में हमारी कौन कौन सी सेल होती हैं, वन जो होती है हमारी एक सेल होती है, वन तो हमारी एक अपरेटस में एक सेल हो गई और टू हो गई हमारी सिनर्जिक सेल हो गई, टू हमारी हो गई वो सिनर्जिक सेल हो गई, एंड थ्री एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये थ्री हमारी एंटीपोडल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई जो हमारा एक अपरेटस में हो गया, वन एक सेल हो गई एंड टू सिनर्जिक सेल हो गई, ठीक है, एंड थ्री एंटीपोडल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। ये हमको एग्जांपल दिया है, एंजियोस्पर्म का एग्जांपल दिया गया है हमको, ये एंजियोस्पर्म में ये डाइकॉट सन फ्लावर जो हमारा डाइकॉट दिए हैं, और ये मोनोकॉट का एग्जांपल दिया गया हमको, ठीक है फिगर। सो ये क्या था, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज करता है, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियस बनाता है। द पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर, जो पोलन ग्रेन होता है हमारा वो एंथर से डिस्पर्स होने के बाद आर कैरिड बाई वाइंड, जो कि हमारा पोलन ग्रेन होता है हमारा वो हवा के थ्रू
कैरियर किया जा सकता है और वेरियस अदर एजेंसी ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फिस्टिल, मतलब हमने जो बताया था फीमेल का पार्ट जो था ओवेरी था, स्टाइल था, स्टिग्मा था, स्टिग्मा पे हमारे जो पोलन गैन आएंगे वो स्टिग्मा पे हमारे जो पोलन गैन आएंगे ये ओवेरी हो गए, ये स्टाइल और ये हमारा स्टिग्मा हो गया। यहाँ पे हमारे पोलन गैन कैसे भी आए वो हवा के द्वारा आ सकते हैं या अदर एजेंसी के द्वारा आ जा सकते हैं, जो हमारी पोलिनेटिंग एजेंट होती हैं वो हम पोलिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक उसको थ्रू आ सकते हैं। स्टिग्मा से आएंगे और पोलन ट्यूब अंदर जर्मिनेट करेगी, ओव्यूल पे जाएगी और वहाँ से फर्दर फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्स फ्रॉम एंथर कैरिड आउट बाई वाइंड ऑन अदर वेरियस एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दिस इज टर्म एज पोलिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन गैन का स्टिग्मा पे आना और किसी की एजेंसी के थ्रू या मतलब जैसे हमारे बर्ड्स हो गए है ना या एयर के थ्रू आ गया हमारा, तो इसको हम पोलिनेटिंग एजेंसी बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। द पोलन गैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, जो हमारे पोलन गैन होते हैं स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं एंड रिजल्ट पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू, जो हमारी जो पोलन गैन होते हैं स्टिग्मा पे हमारे ग्रो करते हैं और हमारी अंदर पोलन ट्यूब स्टिग्मा से जाती है स्टाइल और ओव्यूल में पहुंच जाती है। पोलन गैन हमारी स्टिग्मा पे ग्रो करेंगे फिर हमारी स्टाइल से पोलन ट्यूब जाएगी अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमेट आर डिस्चार्ज, जो हमारी पोलन गैन सॉरी हमारी जो पोलन ट्यूब होती है वो इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में जहाँ पर टू मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक सेल, जो हमारा एक मेल गैमेट होता है वो हमारा एक सेल से फ्यूज हो जाता है, ठीक है एक सेल से हमारा फ्यूज हो जाता है और जो हमारा एक सेल से फ्यूज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगेमी करेंगे, एक सेल से फ्यूज हो जाएगा तो हमारा वो सिंगेमी करेगा और जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो अदर मेल गैमेट था वो हमारा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा था, तो अदर मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है जो PEN बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। बिकॉज द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, हमारे यहाँ पे टू फ्यूजन हो रहा है जो एक प्राइमरी हो रहा है तो एक हमारा जो मेल गैमेट हो रहा है वो फ्यूज कर रहा है एक सेल से हमारा सिंगेमी कर रहा है और जो हमारा अदर है वो हमारा अदर जो हमारा है वो डिप्लॉइड हमारे न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है और डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना रहा है, तो इसलिए हमारे इसमें दो फ्यूजन हुई तो इसको हम सिंगेमी टू फ्यूजन हुए हमारे जिसमें कि एक में सिंगेमी हुआ एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ है ना ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो इसको हम बोलते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डुअल फर्टिलाइजेशन इज इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, जो हमारा डुअल फर्टिलाइजेशन होता है ये हमारा यूनिक होता है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर से, हमारा जो सीड एपिटाइट हमारा कैरेक्टर था वो हमारा टेरिडोफाइट का था बट हमारा डुअल फर्टिलाइजेशन जो हमारा ये हमारा एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। द जायगोट डेवलप इनटू, जो हमारा जायगोट डेवलप होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं विद वन कॉटिलेडन और टू कॉटिलेडन, जो हमारा जायगोट डेवलप होगा वो एम्ब्रियो में बनेगा जिसमें कि एक कॉटिलेडन हो सकता है और यानी एक कॉटिलेडन होगा तो हमारा मोनोकॉट हो जाएगा और दो कॉटिलेडन होगा तो हमारा वो डाइकॉट हो जाएगा। एंड PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डेवलप इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो हमारा PEN होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है और जो कि हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है। अगर हमारा एम्ब्रियो के डेवलपिंग टाइम जो हमारा एंडोस्पर्म हो गया वो परसिस्टेंट हो गया मतलब बच गया है ना डेवलपिंग एम्ब्रियो भी हमारा डेवलप हो गया और जो हमारा न्यूक्लियस था वो हमारा बच गया जो हमारा एंडोस्पर्म बच गया तो हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जो मोस्टली हमारे एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं हमारे एंडोस्पर्मिक होते हैं वो हमारे मोस्टली मोनोकॉट होते हैं मोनोकॉट, ठीक है मोनोकॉट। जो हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं मोस्टली हमारे डाइकॉट होते हैं, जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं हमारे वो डाइकॉट होते हैं मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं वो हमारी डाइकॉट होते हैं।
नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं हमारे, वो मोस्टली डाइकॉट होते हैं, ठीक है। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विद वन कॉटिलेडॉन और टू कॉटिलेडॉन एंड द पीईएन प्राइम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। द सिनर्जी सेल एंड एंटीपोडल सेल, जो सिनर्जी सेल होती है और एंटीपोडल सेल होती है हमारी, जो सिनर्जी सेल एंड एंटीपोडल सेल डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमारी सिनर्जी सेल और एंटीपोडल सेल होती हैं हमारी, जो सिनर्जी सेल होती हैं पोलन ग्रैंड की एंट्री को हमारी गाइड करती हैं, और जो एंटीपोडल सेल होती हैं ये हमारी सब डिजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, इस इवेंट में हमारा जो ओव्यूल होता है वो हमारा सीड में डेवलप हो जाता है, और ओवेरी जो होती है हमारी फ्लूइड में डेवलप हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा जो सीड होता है वो हमारा ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्लूइड, मतलब हमारा जो ओव्यूल होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है और ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल हमारा होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा ओवेरी होती है वो हमारी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म शोन, यहाँ पे हमको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की बताई गई है, ठीक है जी। हमको क्रोसीफेर का दिया गया है हमारा, ठीक है, डाइकॉट का जी। यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेस हमको दिखाई गई है, ठीक है, ये हमको स्टिग्मा दिखाया गया है, हमको फीमेल का पार्ट पूरा दिखा दिया गया है फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे ओवेरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया यहाँ पे हमारा, और ये हमारा जो मेल पार्ट दिखाया गया है एंथर हो गया हमारा, एंथर दिखाया गया है, एंथर में हमारा बायलोब्ड एंथर हो गया, इसमें हमारे पोलन ग्रैंड होंगे, ठीक है। ये फिलामेंट दिखाया गया एंथर का हमको, एंथर का हमको ये फिलामेंट दिखाया गया है, ठीक है जी। हमारा जो मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, जिसमें हमारा मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें हमारा फीमेल गैमेट होगा, ठीक है। ये हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसमें हमारा मेल गैमेट होगा। ये माइक्रो स्पोरेंजियम से हमारा माइक्रो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, माइक्रो स्पोर्स होंगे हमारे, स्पोर्स जो होंगे हैप्लॉइड ही होंगे हमारे। उसके बाद हमारा माइक्रो स्पोर्स से, हमारे माइक्रो स्पोर्स से पोलन ग्रैंड बनते हैं, ये हमारे गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गए, ये हमारी जी हैप्लॉइटिक जनरेशन दिखाया गया, ठीक है, हैप्लॉइटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक फेस यानी हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। और फिर माइक्रो स्पोर्स पोलन ग्रैंड से हमारे मेल गैमेटोफाइट्स बनेंगे, फिर इनके मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बनेंगे, है ना। मेल गैमेट हमारे ये एक से हमारे फ्यूज हो जाएंगे, ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, है ना, टू पोलर न्यूक्लियाई हमारे ये हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेल से हमारे जब मेल गैमेट फ्यूज होंगे तो हमारा जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा फिर फर्दर हमारा एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये जो हमको दिखाया गया है ये हमको स्पोरोफिटिक फेज दिखाया गया है, स्पोरोफिटिक, तो यहाँ पे हमको स्पोरोफिटिक जनरेशन दिखाया गया हमारा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया ये हमारा। तो अब हम आपको बताते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन के बारे में, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आते ही है, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, तो हम उसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। तो ये देखते हैं हम डुअल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारी जो होती है, ये हमारी बीच वाली जो होती है, ये हमारी एक सेल होती है, एक सेल होती है, ये जो हमारी दो होती हैं ये हमारी सिनर्जिक सेल होती हैं, और यहाँ पे हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे थ्री जो होती हैं हमारी एंटीपोडल सेल होती हैं, थ्री जो होती होती हैं एंटीपोडल सेल होती है हमारी, ये क्या होती हैं एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, जो एंटीपोडल सेल होती हैं हमारी, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए हमारे, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल हो गई थ्री। अब जो हमारा मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट तो आके हमारा, ये हमारा मेल गैमेट आया, एक मेल गैमेट आके हमारा एक सेल से फ्यूज हो गया, एक सेल से फ्यूज हो गया तो हमारा ये सिंगैमी किया और जाइगोट बना दिया, ठीक है, जाइगोट बना दिया। और जो एक मेल गैमेट आया हमारा, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया और पीईएन बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा पीईएन बना दिया, ये पोलर न्यूक्लियाई हमारे होते हैं, ये हमारा पीईएन बना दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं
इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा होता है एक सेल होती है हमारी, वो फ्यूज करती है मेल गैमेट से और हमारा सिंगेमी हो जाता है। मेल गैमेट जो हमारा पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है वो हमारा पीईएन बनाता है, पंडोस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको डुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। प्लांट लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लांटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लांटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लो डिप्लो लाइफ साइकिल क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस। सो इन प्लांट बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल कैन बी डिवाइडेड बाई माइटोसिस। जो हमारी होते हैं प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल जो होती हैं वो हमारी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। माइटोसिस जो होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है ना, और मियोसिस जो होता है हमारा वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, द एबिलिटी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। जो हमारी ये डिफरेंट प्लांट बॉडी बनाती हैं वो प्लांट बॉडी हैप्लॉयड हो सकती हैं, डिप्लॉयड हो सकती हैं। हैप्लॉयड का मतलब उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो n होगा, और जो डिप्लॉयड में होंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो 2n होगा। ठीक है, द हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाई माइटोसिस। जो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी वो गैमेट प्रोड्यूस करेगी माइटोसिस, मतलब वो कोई चीज़ हैप्लॉयड है, ये आपको बताते हैं हम अच्छे से। मान लो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है, n है वो, अब वो गैमेट बनाएगी तो यन का तो हाफ तो हो नहीं सकता यार, है ना, यन बाई टू तो हो नहीं सकता है, तो हमारा ये तो होगा नहीं, तो हमारा ये हमारा मियोसिस होगा तो यन बाई टू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारा यन बाई टू नहीं होता, ये हमारा माइटोसिस से ही इक्वेशनल डिवीजन से करके हमारा ये हैप्लॉयड बना देते हैं। ठीक है, और जो हमारी द प्लांट बॉडी जो द हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाई माइटोसिस, जो हमारी हैप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है वो हमारी माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करती है। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटेड द गैमेटोफाइट, जो हमारी प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय, जो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, है ना। जो हमारा होता है फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो हमारा जाइगोट होता है वो भी माइटोसिस से डिवाइड होता है और ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाता है हमारा। ठीक है, जैसे हमारे हमने देखा था इसमें टेरिडोफाइट्स में हमारे स्पोरोफिटिक फेस जो डोमिनेंट थी और ब्रायोफाइट्स में हमारी गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट थी, उसी तरह इसमें जो हमारा स्पोरोफाइट्स होता है वो 2n होगा यानी डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, जो होंगे हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। ठीक है, यानी हैप्लॉयड स्पोर्स जो बनेंगे हमारा मियोसिस से बनेगा, है ना। दिस टर्न टू डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन। ठीक है, यानी हमारा जो गैमेट हैप्लॉयड गैमेट होंगे वो हमारे माइटोसिस से डिवाइड होंगे। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन से फिर माइटोसिस माइटोसिस मिला के माइटोसिस यानी हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिला के 2n बनाएंगे। अब हमको अगर हैप्लॉयड की ज़रूरत है तो ये हमारा 2n होगा, वो जाइगोट होगा, वो हमारा माइटोटिकली फिर मियोसिस से डिवाइड करेगा, ये हमारा हैप्लॉयड पे बना देगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कैसी कैसे में लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो हमारा हैप्लॉयड चाहिए होगा, डिप्लॉन्टिक है तो हमारा डिप्लॉयड चाहिए होगा। हैप्लॉन्टिक स्पोर प्रोड्यूस बाय द प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, दिस टर्न टू डिवाइड द माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन। दस ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एजेंट प्लांट सॉरी दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स, है ना। जो हमारा है ये क्या बोल रहा है हमारा, जो हमारा है दस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, जो हमारा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में होगा तो वो हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप, जो हमारे डिफरेंट प्लांट के ग्रुप होते हैं एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन फॉलोइंग पैटर्न, ये डिफरेंट फॉलोइंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है हमारी,
स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है हमारी वन सेल जाइगोट को रिप्रेजेंटेड करती है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, जो इसमें कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। जो हमारे जाइगोट में, जाइगोट हमारा बेसिकली जो होता है डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब इसमें मियोसिस हो जाएगी, यानी मियोसिस यानी रिडक्शन ऑफ डिवीजन हो जाएगा, तो ये हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा, ठीक है। जो हमारा क्या था, जाइगोट मियोसिस द जाइगोट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो हमारे फिर इक्वेशनल डिवीजन से डिवाइड करेंगे और हमारा वो गैमेटोफाइट बना देंगे, है ना, यानी यन बना देंगे हैप्लॉइड बॉडी, ठीक है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस इन सच प्लांट। जो हमारे डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक सच प्लांट होते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, इसमें कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल टर्म है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जिसमें गैमेटोफिटिक फेस हमारी डोमिनेंट हो, वो हमारी फोटोसिंथेटिक हो, वो हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आती है। मेनी एल्गा, बहुत सारे जो एल्गा होते हैं हमारे उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारे बहुत सारे एल्गा में होते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारे बहुत सारी एल्गा में होते हैं। तो कौन कौन से एल्गा होते हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे एल्गा आते हैं, वॉल्वॉक्स आता है हमारा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स आता है हमारा, वॉल्वॉक्स आया, यूरोथ्रिक्स आया हमारा, और स्पायरोगाइरा आया हमारा, स्पायरोगाइरा आया एंड हमारा क्लेमाइडोमोनास आया हमारा, ठीक है। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा दिया है मैनी एल्गा सच एज वॉल्वॉक्स स्पायरोगाइरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंटेड द हैप्लॉन्टिक पैटर्न, ठीक है। हैप्लॉन्टिक पैटर्न हमको ये देखो इसमें दिखाया गया है, हैप्लॉन्टिक पैटर्न के बारे में। ये हमारा हैप्लॉन्टिक पैटर्न दिखाया गया है, इसमें गैमेटोफिटिक फेस जो हमारी वो डोमिनेंट है। इसमें गैमेटोजेनेसिस हुई, फिर सिंगेमी हुई, सिंगेमी से हमारा जाइगोट बना, जाइगोट पे हमारा मियोसिस हुई, फिर हमारे रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बना दिया हमारा, ठीक है। तो इसमें हैप्लॉन्टिक फेसेस की लाइफ में आई एक बार, तो इसको हम इसको हैप्लॉन्टिक बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा जो ऑन अदर स्ट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। जहाँ पे हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे, है ना। यानी टूजन कंडीशन हमारी डोमिनेंट हो रही है, ठीक है। डोमिनेंट होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट होगी। द गैमेटोफिटिक फेस रिप्रेजेंटेड द सिंगल फ्यू सेल कॉल हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स एंड लाइफ साइकिल। जो इसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी वो हम डिप्लॉन्टिक टर्म बोलेंगे। तो इसका मतलब है हम पढ़ लेते हैं सही से। ऑन अदर स्ट्रीम इन दिस टाइप द डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। मतलब अदर हमने हैप्लॉइड के बारे में देख लिया, अब हम देख रहे हैं डिप्लॉइड के बारे में कि हमारी डिप्लॉन्टिक फेस स्पोरोफिटिक फेस जो होगी हमारी डोमिनेंट होगी, वो हमारी फोटोसिंथेटिक होगी और इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट होगी। वो हमारी इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट होगी, किसी पर डिपेंड नहीं होगी, यानी मून वही डोमिनेंट होगी। ये होते हैं द गैमेटोफिटिक फेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेट। जो हमारी गैमेटोफिटिक फेस थी वो हमारी सिंगल फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पे थी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड डिप्लॉइड। यानी हमारी डिप्लॉइड फेस डोमिनेंट होगी तो उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे हम, ठीक है। इसमें हमारा एन एल्गा होता है, जो हमारे एल्गा होते हैं एक्सेप्शन होता है। इसमें हमारा एल्गा जो होता है फ्यूकस होता है हमारा, ये हमारा इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ये दिस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। एन एडिशनल ऑल सीड बेयरिंग प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और हमारे जो फ्यूकस हमारा एल्गा है, फ्यूकस की स्पीसीज है उसमें, ठीक है, उसमें ये हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। फॉलो दिस पैटर्न सम वेरिएशन वेयर इन द गैमेटोफिटिक फेस इन फ्यू टू मल्टीपल सेल। जो हमारी मल्टीपल सेल्स होती हैं हमारी कुछ उसमें होता है, ठीक है, कुछ वेरिएशन शो करती हैं। यानी हमारा डिप्लॉन्टिक जो हो गया, हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, हमारा फ्यूकस में हो गया, जिम्नो में हो गया और हमारा एनजीओ में हो गया। ये हमारा फ्यूकस, ये हमारा एक्सेप्शन है। वैसे
ज़्यादातर एल्गा में एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, बट हमारा फ्यूकस जो स्पीसीज है वो हमारी एक्सेप्शन है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। इस डिप्लॉन्टिक का हम फिगर देख सकते हैं, डिप्लॉन्टिक का हमारा फिगर दिया है, डिप्लॉन्टिक फेस, इसमें स्पोरोफिटिक फेस जो हमारी ट्यूजन है वो हमारी डोमिनेंट फेस है, ठीक है, डोमिनेंट फेस हमारी ट्यूजन है इसमें, और उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से हमारे एप्लॉयड बने, एप्लॉयड गैमेट बने, फिर गैमेटोफाइट्स, और गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस हुई, सिंगेमी हुई, सिंगेमी से जाइगोट बना, हमारा ट्यूजन बना, और ट्यूजन से हमारा डायरेक्टली जाके स्पोरोफाइट ट्यूजन ही हमारा बचा, तो हमारा ये डिप्लॉन्टिक फेस हो गया, ठीक है। ऑन अदर हैंड, अदर स्ट्रीम लास्ट हम देखते हैं, ठीक है, हैप्लो डिप्लो कि उसमें जो हैप्लॉन्टिक भी लाइफ साइकिल होगी, कुछ लाइफ की कुछ स्टेज में हैप्लॉन्टिक होगी, कुछ स्टेज पर डिप्लॉन्टिक होगी, जिसको हम हैप्लो डिप्लो बोलते हैं। ऑन अदर स्ट्रीम दिस टाइप ऑफ वेयर द डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट इट इज डोमिनेंट, मतलब हमारा डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी ये हमने देख लिया, ये तो देख लिया, सॉरी हम हैप्लो डिप्लो के बारे में पढ़ते हैं, हैप्लो डिप्लो के बारे में थर्ड में देखते हैं, सॉरी ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट, जो हमारे ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट होते हैं, इंटर सेंगली एग्जिबिट इंटरमीडिएट स्टेज होगी इसमें, मतलब लाइफ के इंटरमीडिएट स्टेज होगी, हैप्लॉन्टिक भी लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉन्टिक भी लाइफ साइकिल होगी, जो हमारे ब्रायोफाइट्स होंगे जिसमें हमारी हैप्लॉन्टिक फेस डोमिनेंट थी, यानी गैमेटोफाइटिक फेस डोमिनेंट थी, तो हमारा हैप्लो जो आएगा टर्म, हैप्लो टर्म आएगा ब्रायोफाइट के लिए, और डिप्लो टर्म आएगा ट्रेडोफाइट्स के लिए, तो इसलिए इन दोनों को इंटरमीडिएट फेस बना दिया हमने, तो हैप्लो डिप्लो आ गई, ठीक है। देख लेते हैं ब्रायोफाइट एंड ट्रेडोफाइट इंटर सेंगली एग्जिबिट इन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लो डिप्लॉन्टिक, बोथ फेस आर मल्टी सेलर, दोनों फेस मल्टी सेलर हैं, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेस, जो कि हमारी डोमिनेंट फेस से डिफरेंट हैं, ठीक है। इसमें एप्लो डिप्लो का हमको दिखाया गया है, जो हमारा है इसमें गैमेटोफिटिक फेस भी है और स्पोरोफिटिक फेस भी है, इसलिए इसको एप्लो डिप्लो दिखाया गया है। जो स्पोरोफिटिक फेस है मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएगी, एप्लॉन्टिक स्पोर बनाएगी, उसके बाद ये गैमेटोफाइट बनाएगी, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस होगी, फिर सिंगेमी होगा, जब हमारा सिंगेमी होगा तो हमारा सिंगेमी होगा तो हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो हमारा ट्यूजन कंडीशन होगी, और हमारी यहाँ पे हैप्लॉन्टिक कंडीशन भी है हमारी, तो इसलिए हैप्लो डिप्लो हो गया, ठीक है। तो हमारी इनकी इंटरमीडिएट फेस ऑफ लाइफ साइकिल में होगी, तो ए डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉयड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन ऑल ब्रायोफाइट इमिटेट दिस पैटर्न। अच्छा, जो इसका मतलब ये हमको बताया गया है, जो हमने आपको पहले ब्रायोफाइट्स में ही बता दिया है कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है उसमें गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट होती है, बट उसमें जो हमारी स्पोरोफिटिक फेस जो होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग नहीं होती है, वो हमारी गैमेटोफाइट यानी जो हमारी गैमेटोफाइट डोमिनेंट है उस पर डिपेंड रहती है फॉर नरिशमेंट के लिए और अपने लाइफ सर्वाइव के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ब्रायोफाइट में आ गया, ठीक है, ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, ठीक है, जो हमारा जो होता है स्पोरोफाइट जो होता है हमारा, ये हमारा नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट से डिपेंड रहता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बाय ए डोमिनेंट, जो हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स होता है हमारा वो डोमिनेंट होता है ट्रेडोफाइट के केस में था। इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी, वास्कुलर प्लांट बॉडी का नाम आ गया तो यहाँ पे समझ जाएंगे, वैसे भी हम ट्रेडोफाइट, ठीक है, ट्रेडोफाइट के बारे में यहाँ पे, ठीक है। इट अल्टरनेट विथ मल्टी सेलर सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, शॉर्टली हैप्लॉयड गैमेटोफाइट भी होता है। सच दिस पैटर्न नोन एज हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑल ट्रेडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न, जो हमारे ट्रेडोफाइट्स में होते हैं उसमें स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट थी यानी हमारी ट्यूजन कंडीशन डोमिनेंट थी, तो वो हमारा ट्रेडोफाइट हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक फेस एग्जिबिट करते हैं। इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट एल्गा जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, जो ज़्यादातर हमारे जो जेनरा होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, बट उसके जो कुछ होते हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प आर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, ठीक है, ये हैप्लो डिप्लो होते हैं। जो हमारे देखो यहाँ पे ये हम पढ़ लेते हैं, इंटेंसली वाइल मोस्ट एल्गा जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, जो ज़्यादातर एल्गा की जेनरा होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, ज़्यादातर जेनरा की जो होती है हैप्लॉन्टिक होती है, सम ऑफ देम जो इक्टोकार्पस हो गया हमारा, पॉलीसिफोनिया हो गया, ये हमारी हैप्लॉन्टिक होती हैं, है ना। केल्प जो होता है हमारा वो हैप्लो डिप्लो होता है, केल्प हमारा जो होता है हैप्लो डिप्लो होता है, हैप्लो डिप्लो हमारा वैसे ब्रायोफाइट ट्रेडोफाइट में पाया जाता है, बट ये एक्सेप्शन है,
तो हमारा किल्प जो है वो भी हमारा हिप्लोडिप्लोंटिक हो गया, और जो हमारा फ्यूकस है इन एल्गा है वो हमारा वो डिप्लोंटिक है ना, फ्यूकस जो हमारा है वो एल्गा है वो भी एक डिप्लोंटिक है। ये हमारी एक्सेप्शन है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट हमारा, ठीक है। सो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है प्लांट किंगडम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में और एक न्यू चैप्टर के साथ में। तो जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए और बने रहिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और इन्जॉय करें वीडियो को। थैंक यू, यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक यू।